अच्छा, आज हम लोग लास्ट क्लास में, देखो इस क्लास में जो हुआ था दैट इज इंश्योरेंस क्लेम, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज हायर परचेज। अच्छा, तो हायर परचेज होता क्या है? देखो, नॉर्मली हम लोग जब भी कुछ परचेस करना चाहते हैं तो दो तरह से परचेस कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ, क्योंकि चैप्टर का नाम है ना हायर, हायर परचेस, ठीक है, यहाँ पर हायर मतलब HIRE, ठीक है। तो अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो वो दो तरह से परचेस कर सकते हैं। बताओ कौन सा दो टाइप का परचेस हम लोग कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। हायर परचेस अभी छोड़ो, अगर मार्केट में कुछ भी खरीदने जाओगे तो दो हम कैश ऑप्शन रहते हैं, क्रेडिट कैश क्रेडिट क्रेडिट, कैश ठीक परचेज। है, कैश और क्रेडिट, दो तरह का हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर कैश परचेस करते हैं तो क्या इसमें फर्दर कुछ करना पड़ता है? मतलब चाहे हम लोग परचेस कर रहे हैं, हम लोग के रेस्पेक्ट में भी सोच सकते हो, या फिर जो सेलर है उसके, मतलब सेलर बायर, ठीक है, उस केस में परचेस जब हम लोग कैश में करते हैं तो वहां पर क्या होता है? हम लोग इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं अगर हम लोग परचेजर है, और अगर हम लोग सेलर है तो हम लोग को इंस्टेंट कैश मिल जाएगा, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग सेलर हो या बायर हो, क्योंकि परचेस करते टाइम दो पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगा, एक तो सेलर और एक क्या हो जाएगा, बायर, ठीक है, दो पार्टी तो इन्वॉल्व होगा ही ना। हम लोग परचेजर अगर होंगे तो कोई ना कोई तो सेलर होगा, तभी हम लोग परचेस कर रहे हैं। जब हम लोग कैश परचेस करेंगे तब इसके आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। अगर हम लोग थोड़ा अकाउंट्स बेसिस में बोले तो परचेजर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा अगर वो कैश परचेस करेगा? तो जो परचेजर है, परचेजर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा अगर कैश परचेस कर रहा है तो? मैम कोई एसेट परचेस कर रहा है तो कुछ भी, अगर एसेट करेगा तो एसेट डेबिट होगा, और अगर एसेट, ये देखो, एसेट करेगा तो एसेट कैश डेबिट, या फिर परचेस टू क्या हो जाएगा, कैश, ठीक है। इसके बाद और कोई रेलिवेंसी नहीं रहता है उस कस्टमर के साथ या फिर हमारे उस दुकानदार के साथ, कि हम लोगों ने जैसे ही परचेस किया, बताओ क्या हमें ओनरशिप मिल गया? ये सोचो, क्या हमें उस प्रोडक्ट का ओनरशिप मिल गया, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो चाहे वो नॉर्मल गुड्स हो। मतलब परचेस तभी लिखते हैं ना जब गुड्स होता है, एसेट के केस में हम लोग इसे एसेट अकाउंट डेबिट करते, क्या हमें ओनरशिप मिल जाता है ऑन दैट मोमेंट? कैश परचेस में तो हाँ जरूर, कैश परचेस करे तो ओनरशिप मिल गया ना। अभी मान लो कैश परचेस करके एक फोन ला रहे थे, आते आते हाथ से गिर गया, टूट गया, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ऑब्वियसली जो खरीदा है उसका है, जो बेच रहा है उसका थोड़ी ना है। जैसे ही हम लोग उसको पेमेंट कर देते हैं वो गुड्स हमारा हो जाता है, ठीक है, उसमें हमारा ओनरशिप मिल गया। अब और एक चीज भी हो सकता है, क्रेडिट परचेस, ठीक है। हम लोग क्रेडिट परचेस नॉर्मली कब करना चाहते हैं? जब हमारे पास उतना कैश अवेलेबल नहीं होगा। हम लोग उधार में कब सामान खरीदना चाहेंगे? जब हमारे पास उतना कैश नहीं होगा कि हम लोग उसे कैश में खरीद ले, ठीक है। अब क्रेडिट में देखो दो तरह से हम लोग परचेस करते हैं, एक तो होता है 1 वीक 2 वीक का क्रेडिट हो सकता है, एक अगर लॉन्ग पीरियड का होता है जैसे कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स, उस केस में हम लोग बिल्स ड्रॉ करते हैं ना। क्रेडिट परचेस में देखो अगर शॉर्ट टाइम के लिए है, शॉर्ट टाइम के लिए है तो उसमें कोई मैटर नहीं होता, उसमें नॉर्मली अगर अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए देखो तो वहां पर एंट्री होगा हमारा इस तरह से, एसेट अगर हम लोग खरीद रहे या फिर कुछ परचेस कर रहे, टू क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, टू हो गया क्रेडिटर। और अगर लॉन्ग टाइम है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए है, ठीक है, तो लॉन्ग टाइम का भी दो पार्ट कर देते हैं। अगर लॉन्ग टाइम मतलब अगर विद इन मंथ है, विद इन 2 to 3 months इस तरह का अगर है, तो हम लोग बिल्स ड्रॉ के थ्रू से क्रेडिट परचेस कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर बिल्स ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। और एक होता है जब हम लोग ह्यूज अमाउंट का कुछ खरीदते हैं और हम लोग पेमेंट धीरे धीरे करना चाहते हैं, ह्यूज अमाउंट का, जैसे मेनली इस चैप्टर में तुम लोग को ये चीज मिलेगा मतलब व्हीकल के ऊपर, ठीक है, जैसे कि गाड़ी हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, ये सब जब कोई ये सब खरीदता है बिजनेस रेस्पेक्ट में, या देखो ट्रक ऐसे लेके तो कोई फायदा है नहीं, ट्रक में तो हम लोग और कुछ करने वाले हैं नहीं, ट्रक यानी गुड्स वाला बात हो जाएगा, ठीक है, अगर किसी का बिजनेस में ट्रक का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर अगर हम लोग पर्सनल कार ले रहे हैं या फिर बिजनेस के रेस्पेक्ट से ले रहे हैं, चाहे यूज जैसा भी हो, अगर इस तरह का हम लोग हाई वैल्यू वाला फिक्स्ड एसेट ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली ये सब फिक्स्ड एसेट पे ही एप्लीकेबल होगा। हाई वैल्यू वाला जब फिक्स्ड एसेट लेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम लोग
कैसे करके परचेस करते हैं? आजकल ये फैसिलिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बताओ तुम लोग को पता है कैसे करके करते हैं? जब कोई कार वगैरह लेने जाते हो तो कैसे खरीदते हो, अगर कभी खरीदे हो तो बताओ? अगर कार नहीं खरीदते हो तो और एक एग्जांपल देते जो इससे रेलिवेंट तो है नहीं, हम डिफरेंस भी समझाएंगे। जैसे मान लो एक लैपटॉप ही खरीदना है, थोड़ा महंगा वाला खरीदना है, मान लो 50-60 हज़ार का अगर खरीदना चाहते हो, और अगर ईएमआई करेक्ट पहले डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ईएमआई मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट से खरीद तो है मैम, है डाउन पेमेंट छाड़ाओ है। ठीक है, डाउन पेमेंट छाड़ाओ है, किंतु हाई वैल्यू फिक्स्ड আছে, डाउन পেমেন্ট ছাড়া হবে না। যেমন কার টার নিতে গেলে না তোমাকে ডাউন পেমেন্ট করতেই হবে, নালে হবে না, ওটার অনেক হায়ার ভ্যালু থাকে। আর ল্যাপটপের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট ছাড়াও হবে, কারণ ল্যাপটপের কত, ল্যাপটপ অনেক দামি দামি হয়, কিন্তু 50-60 এর ক্ষেত্রে তোমার ডাউন পেমেন্ট ছাড়াও হয়, ডাউন পেমেন্ট দিয়েও করা যায়, ডাউন পেমেন্ট করলে বাকিটার ইনস্টলমেন্ট হবে, একই ব্যাপার। ঠিক আছে, তো ইয়াহ পর দেখো ইনস্টলমেন্ট হতা হয় জব হাই ভ্যালু অফ ফিক্সড অ্যাসেট, লেকিন इसको ये नाम जो है ईएমআই इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के थ्रू से, लेकिन इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज दो अलग चीज है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज दो अलग चीज है, इसमें हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा, क्या इंस्टॉलमेंट परचेज होता है और क्या हायर परचेज होता है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। देखो, तो मैंने यहाँ पर क्या समझाने का कोशिश किया, पहला बात है अगर हम लोग परचेजर है या फिर सेलर सोचोगे, तो सेल करना है अगर हमारा कोई भी चीज का शॉप है तो हम लोग उससे कैश सेल कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर को क्रेडिट सेल कर सकते हैं। कैश सेल करने से तो झमेला खत्म, जैसे परचेजर के हिसाब से मैंने एंट्री दिखाया, वैसे अगर हम लोग सेलर के हिसाब से एंट्री करेंगे तो उसमें एंट्री होना चाहिए था कैश टू, क्या हो जाएगा, कैश टू सेल्स। ठीक है, कैश टू सेल्स हो जाएगा, और या फिर एसेट हो जाएगा अगर एसेट सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग क्रेडिट में कर रहे हैं तो उस केस में परचेजर तो अपना परचेज टू क्रेडिटर एंट्री करेगा, और सेलर होगा वो क्या एंट्री करेगा, सेलर बोलेगा डेटर, डेटर टू क्या बोलेगा, डेटर टू बोलेगा सेल्स या फिर एसेट, अगर एसेट होगा तो। और अगर बिल्स ड्रॉन होता है उस केस में एंट्री अलग होता है। देखो परचेजर और यहाँ पर हम सेलर दोनों का एंट्री दिखाते हैं, जब परचेज होता है, बिल्स ड्रॉन तभी होगा जब क्रेडिट परचेज होगा, तो परचेज टू क्रेडिटर हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर इस पे हमें जोर नहीं देना, एक्चुअली हमें इस पे पढ़ना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रहे हैं। तो परचेज टू क्रेडिटर, उसके बाद हो जाता है कि यहाँ पर ये एंट्री कर देता है डेटर टू सेल्स। ठीक है, अब बिल्स ड्रॉ करता है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, और ये एंट्री कर देता है, इसको बिल्स पेबल, बिल्स एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो ये एंट्री करता है क्रेडिटर टू बीपी। ठीक है, क्रेडिटर टू बीपी, इस तरह से चलता है। और जब पेमेंट मिल जाता है कुछ दिन बाद तो ये एंट्री करता है कैश टू बीआर, क्योंकि इसका देखो डेटर डेटर कैंसिल हो जाता है, बचता है बीआर टू सेल्स, तो कैश टू बीआर। ठीक है, और इसका क्या होता है, ये अपना जब पेमेंट कर देता है तो टू कैश कर देगा और बीपी को रिलीज कर देगा, ये एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अच्छा इंस्टॉलमेंट में जब होगा तो इंस्टॉलमेंट में तो पहले क्रेडिट परचेस का ही एंट्री आएगा, परचेस टू क्रेडिटर, उसके बाद जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट मिलेगा उस तरह से एंट्री होगा। बट हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट परचेस में फर्क क्या है, देखो ये चीज हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग दो चीज पे मेन फोकस करेंगे, एक हायर परचेस और एक इंस्टॉलमेंट परचेस। इंस्टॉलमेंट परचेस और हायर परचेस, पहला बात तो है, दोनों केस ही तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब अगर हम लोग बहुत महंगा कुछ खरीदना चाहते हैं और एट ए टाइम पे नहीं करना चाहते, तो हम लोग एज ए कंज्यूमर फैसिलिटीज ढूंढते हैं कि हमें कुछ फैसिलिटीज मिल जाए, अगर हम लोग पार्ट पार्ट पेमेंट कर पाए तो हम लोग वो प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, इमिडिएटली हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट, जो कि तुम लोग हैबिचुएट हो इस नाम से, तो इसीलिए हम पहले इंस्टॉलमेंट वाला बोल रहे हैं, हम लोग इंस्टॉलमेंट परचेस कर सकते हैं। हायर परचेस का मतलब भी वही होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हायर परचेस में भी हम लोग पार्ट पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, इस पार्ट पार्ट पेमेंट का नाम भी हायर परचेस होता है, और यहां पर भी पार्ट पेमेंट का नाम इंस्टॉलमेंट होता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी पार्ट पेमेंट है, ये भी पार्ट पेमेंट है, यहां पर भी हम लोग पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, यहां भी पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से हमें जो स्कीम सही लगे, बहुत सारा स्कीम दिया जाता है कि आप इतना करके दे सकते हो, आप मंथली इतना करके दे सकते हो, अभी तो नो
कॉस्ट ईएमआई ऐसा भी आ गया है कि जहां पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये कंसेप्ट विद इंटरेस्ट ही आया हुआ था, क्योंकि अगर हम लोग मान लो एक 50,000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और जब हम लोग जिससे खरीद रहे सेलर को अगर तुरंत ये 50,000 देंगे, थोड़ा बिजनेस के रेस्पेक्ट में सोचो, तो सेलर के लिए बेनिफिट है, वो ये पैसा अपने बिजनेस में सर्कुलेट कर सकता है। लेकिन यही पैसा अगर हम लोग 5 महीने तक यानी 10,000 करके पर मंथ के हिसाब से देंगे, तो उसे 10,000 एक महीने मिला, फिर सेकेंड मंथ में 10,000, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में। और हमें पता है कि पैसे का वैल्यू दिन ब दिन क्या होता है, कम होते जाता है, इन्फ्लेशन और बहुत भी और बहुत सारे रीजन होते हैं, उस वजह से कम होते जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे बाद में मिलेगा तो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हें मुझे आज ही 50,000 मिलता, आज हम उसे बिजनेस में लगा देते, इसे सर्कुलेट कर देते, बट हम आज नहीं कर पा रहे, मुझे 10,000 आज मिलेगा, फिर 10,000। इस तरह से मैंने जो वेट किया ये 50,000 पेमेंट लेने का, तो मुझे इस कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, और उस एक्स्ट्रा अमाउंट को बोला जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में कुछ खरीदते हैं तो हमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी नो कॉस्ट ईएमआई आ गया है, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली इसका कंसेप्ट इसी बेसिस पे आया था कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम लोग बाद में पे करना चाहते तो हमें ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज देखा गया कि अगर इंस्टेंट पे करते हैं तो 50,000, और अगर इंस्टॉलमेंट लेते हैं तो टोटल 52,000 लग गया, मतलब 2,000 का वो इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसा होता है। अब हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट परचेस में, इंस्टॉलमेंट परचेस में और हायर परचेस में क्या फर्क होता है, देखो जब हम लोग गुड्स को खरीदते हैं तो ओनरशिप के हिसाब से, देखो तुम लोग बता सकते हो, अगर तुम लोग एक इंस्टॉलमेंट में लैपटॉप खरीद रहे हो, चाहे ऑनलाइन से खरीदो चाहे ऑफलाइन से खरीदो, ठीक है, अगर तुम लोग एक लैपटॉप खरीद रहे हो, क्या इंस्टॉलमेंट मतलब परचेस करने के साथ साथ लैपटॉप घर पहुंच जाता है? हम लोग तो पेमेंट बाद में करते हैं, लेकिन लैपटॉप हमारे घर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब तुम खरीद के लेके आओ ऑफलाइन में, या फिर तुम लोग ऑनलाइन से खरीदो, क्या तुम्हारा ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया उसके साथ? क्या लगता है, क्या इसके बारे में कभी सोचा है? ओनरशिप, हाँ बताओ, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है, हाँ इंस्टॉलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर होता है, ठीक है। मतलब अगर एक लैपटॉप हो, एसी हो, कुछ भी हो, अगर तुम लोग इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हो तो इंस्टॉलमेंट का जो एग्रीमेंट होता है, अगर कभी भी इसके बाद खरीदो, ध्यान नहीं दिए हो, तो देखना एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि ओनरशिप, मतलब डिटेल्स में लिखा हुआ रहता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, ये आपका ही चीज है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है। लेकिन हायर परचेस का एक रूल्स है, हायर परचेस में, सॉरी ओनरशिप, हायर परचेस भी इंस्टॉलमेंट की तरह ही है, पार्ट पार्ट पेमेंट ही करना है, लेकिन इस केस में ओनरशिप जो है ये ट्रांसफर, नॉट ट्रांसफर लिख देते हैं, नॉट ट्रांसफर टिल द लास्ट पेमेंट, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट, एक्चुअली टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब तक हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे, हमारे साथ जो एग्रीमेंट बना हुआ रहता है ना, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि आप इसे ले जाओ, आपको ओनरशिप नहीं मिलेगा, आपको ओनर दे देगा, प्रोडक्ट वहीं पर दे देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ रहेगा ओनरशिप आपका तभी ट्रांसफर होगा जिस दिन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट को क्लियर कर देंगे। अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट को क्लियर नहीं करेंगे तो आपका ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो ये गया ओनरशिप का बात, ठीक है। अच्छा तो बताओ, क्या ये हम लोग रीसेल कर सकते हैं? अगर मान लो एक प्रोडक्ट, एक लैपटॉप ही खरीद लियो, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में खरीदे हो, यानी ओनरशिप मिल चुका है तुम्हें, क्या तुम लोग इसे रीसेल कर सकते हो? मान लो तुम लोग लैपटॉप खरीदो, रीसेल कर सकते हैं। अगर ओनरशिप मेरा है तो रीसेल, ठीक है, कैन बी पॉसिबल लिख देते, कैन बी पॉसिबल, लेकिन क्या इसमें रीसेल हो सकता है अगर मेरा ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं है? नहीं, नो मैम, ये कभी भी रीसेल नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर रीसेल नहीं होगा। अच्छा अब बताओ, क्या मान लो इंस्टॉलमेंट फेल कर गए तो जिसने सेल किया है, क्या सेलर ये लैपटॉप जो है वो लेके जा सकता है तुम्हारे पास से? नो मैम,
रिपोजेस, ठीक है, रिपोजेस बोलते हैं, मतलब पोजिशन ले लेना, दैट इज रिपोजेस. अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में लैपटॉप खरीदे, इंस्टॉलमेंट का बात चल रहा है, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट तो देना चाहिए था, लेकिन मान लो बीच में कोई भी इंस्टॉलमेंट फेलियर हो गया, अब जब तक वो क्लियर नहीं होगा दूसरा इंस्टॉलमेंट वो क्यों एक्सेप्ट करेगा. मान लो मेरा 5 इंस्टॉलमेंट है, 1, 2, 3, 4, मैंने 1 करेक्टली दे दिया, 2 दे दिया, 3 में हम फेलियर हो गए, तो वो 4th वाला क्यों एक्सेप्ट करेगा. भाई जब तक तुम 3 वाला नहीं क्लियर करोगे तुम्हें 4th वाला नहीं देना है, पहले 3 क्लियर करो फिर ही 4th दे पाओगे. तो जो ओनर है, सॉरी जो सेलर है, वो क्या करेगा, अब उसका तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. तुम लैपटॉप लेके चले गए, ठीक है, उसका इंस्टॉलमेंट भर नहीं पा रहे हो, तो वो क्या रिपोजेस कर सकता है? नहीं कर सकेगा, क्योंकि ओनरशिप तुम्हारे पास है. तो रिपोजेस ये भी ये कांट पॉसिबल हो जाएगा, रिपोजेस पॉसिबल नहीं. अब रिपोजेस कौन करने आएगा? रिपोजेस ऑब्वियसली सेलर करेगा ना, क्योंकि उसी का सर दर्द है, भाई मेरा पैसा नहीं मिला है, प्रोडक्ट तो चला गया, रिपोजेस कांट बी पॉसिबल. लेकिन यहाँ पर क्या रिपोजेस पॉसिबल है? रिपोजेस करना, रिपोजेस करना पॉसिबल है, क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुआ है. तुम इंस्टॉलमेंट फेल किए हो, हम आ रहे हैं, तुम ये प्रोडक्ट लेके चले जाएंगे, ठीक है, जो मैंने सेल किया है तुम्हें हायर परचेज में, वो हम लेके चले जाएंगे. अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर जो हम लोग पे करते हैं ना सेलर को, उसका नाम होता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो पे करते हैं ना उसका नाम कुछ अलग होता है. दोनों चीज हम एक ही तरह से समझा रहे हैं, लेकिन टर्म देखो अलग है. इसका नाम होता है हायर चार्जेस. क्या होता है? हायर चार्जेस, ठीक है. अब हायर चार्जेस कैसा होता है ना, थोड़ा सा बोल सकते हो कि जैसे रेंट वगैरह के तरह होता है. जैसे हम लोग भी रेंट में रहते हैं, ठीक है, तो देखो रेंट में अगर रह रहे हैं तो क्या होता है, हायर चार्जेस मतलब क्या होता है, एक घर को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर को यूज करने के लिए मुझे रेंट देना पड़ेगा. उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, आप प्रोडक्ट लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओनरशिप तभी आपका ट्रांसफर हो जाएगा जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दोगे. इसका मतलब ये थोड़ा रेंट के तरह नहीं हो गया, हम लोग यूज कर रहे तभी उसका रेंट भर रहे, यूज कर रहे रेंट भर रहे, बस बेनिफिट इतना ही है कि रेंट का जो घर वो कभी मेरा नहीं हो सकता है. अगर हम खरीदते हैं तो मेरा हो सकता है, अगर रेंट का मेरा घर है, या फिर हम पीजी में रेंट में रह रहे हैं, कुछ भी हो, या फिर तुम लोग कहीं पर रह रहे हो, क्या वो पीजी वाला घर तुम लोग का हो जाएगा रेंट पे कर रहे हो? तो कभी नहीं हो सकता है. ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है जब रेंट वाला केस होता है. यहां पर भी देखो एक्टिविटी थोड़ा रेंट के तरह ही हो रहा है. मैंने एक गुड्स खरीद लिया, मेरा ओनरशिप नहीं है, लेकिन हम उसका पेमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन मुझे ओनरशिप मिलेगा जब मेरा लास्ट पेमेंट क्लियर हो जाएगा. मतलब जितना सारा पेमेंट है वो एकदम राइटली क्लियर्ड होना चाहिए, और लास्ट जैसे ही मैंने क्लियर कर दिया मुझे एक ओनरशिप का जो एग्रीमेंट पेपर है वो मुझे मिल जाएगा कि ये प्रोडक्ट आप आज से आपका हो गया, आपका ओनरशिप में हो गया, आपका आप रख सकते हो. और यहाँ पर क्या हो रहा है हायर परचेस में, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है तब तक सिर्फ क्या रहता है, पोजीशन, ठीक है, सिर्फ पोजीशन रहता है रखने का. मतलब आप रख सकते हो, पोजीशन मिल गया, ओनरशिप नहीं मिला, पोजीशन मिल गया, ओनरशिप नहीं मिला. और यहां पर पोजीशन एज वेल एज ओनरशिप दोनों ही मिल जाएगा, क्योंकि ओनरशिप मिला मतलब तो पोजीशन खुद ब खुद ट्रांसफर हो गया, उसमें और अलग से बोलने वाला तो कोई बात है नहीं. लेकिन यहाँ पर पोजीशन एंड ओनरशिप में से सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, आप रख लो, आपका ओनरशिप नहीं है. आप जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, एक्चुअली इसको इंस्टॉलमेंट नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए लास्ट, ये जो पॉइंट है. लेकिन क्वेश्चन में तुम लोग को इंस्टॉलमेंट लैंग्वेज ही यूज करेगा, लेकिन बेसिक डिफरेंस तुम लोग को पता होना चाहिए. लास्ट हायर चार्जेस होता है इसका नाम, जैसे रेंट का चार्ज होता है वैसे इसका नाम होता है हायर चार्जेस, और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट होता है. अच्छा, अब मुझे ये बताओ फिर तुम लोग कैसे खरीदना पसंद करोगे, हायर चार्जेस में या इंस्टॉलमेंट में? इंस्टॉलमेंट बेस्ट रहेगा, इंस्टॉलमेंट बेस्ट रहेगा. फिर हायर चार्जेस भी तो कंसेप्ट है, तो इंस्टॉलमेंट ऑब्वियसली देख के तो इंस्टॉलमेंट ही बेस्ट लग रहा है ना. हम दोनों का अपना ही एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है. हाँ, लेकिन फिर भी सोचो ना, यहाँ पर हायर परचेस में अगर देखते हो तो कहाँ पर एडवांटेज अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है. हाँ कि ना बताओ, ओनरशिप नहीं मिलेगा, रीसेल नहीं कर सकते हो, वो अगर हम लोग पे नहीं करेंगे तो रिपोजिस करके लेके चला जाएगा. तो ईएमआई बेटर है क्योंकि उसमें तो ओनरशिप मिल जा रहा है ना. हाँ बेटर है, लेकिन दोनों का अलग कंसेप्ट है. एक
पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट जो सेल होता है ये सारा का सारा हायर परचेज में ही होता है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट का मतलब, रुको एक मिनट, कौन निकल गया, प्रिया। फिक्स्ड एसेट का मतलब जैसे मैंने कहा कि लाइक ट्रक, ठीक है, कार, इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है वो कभी इंस्टॉलमेंट में नहीं होता है। अगर इंस्टॉलमेंट में होगा तो दुकानदार लूट जाएगा, क्योंकि अगर मान लो हम लोग खरीद तो लिए कार, बहुत जन ऐसा करता है, चलो एक कार खरीद लेते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, थोड़ा हाथ में पैसा आया कि नहीं, चलो कार खरीद लेते हैं। अरे बाबा कार खरीद तो लिए, वो तो कोई कम पैसे का चीज, अभी थोड़े कम में भी आ जाता है, लेकिन अगर हम लोग अपने कैपेबिलिटी से ज्यादा में खरीद लेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना। तो जैसे मान लो ट्रक है, कार है, ये सब बहुत महंगा आता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको दुकानदार अगर हमें इंस्टॉलमेंट में बेच देगा वो तो पागल हो जाएगा। अगर हम लोग किसी को बेच दिए, फिर उसका रीसेल भी वो कर दिया, ठीक है, फिर उसका रिपोसेस भी नहीं कर सकता, फिर वो तो लूट जाएगा। इसीलिए ये रूल्स है कि हम लोग जब भी कोई फिक्स्ड एसेट तुम लोग अगर फ्यूचर में कभी भी खरीदते हो, या फिर घर पे किसी के पास भी है, किसी ने खरीदा है, तो तुम लोग कागज वगैरह चेक करके देख सकते हो, वो हायर परचेस में होता है। ट्रक का ओनरशिप, कार का ओनरशिप सिर्फ तभी ट्रांसफर होगा जब आप लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पूरा पूरी दे पाओगे, नहीं उसके आगे नहीं होगा, ठीक है। ये सारा चीज कभी भी इंस्टॉलमेंट में हम लोग परचेज नहीं कर सकते हैं। एग्रीमेंट में देखना, वो बोला जाता है ऐसे, क्योंकि हम लोग हायर परचेज लैंग्वेज डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मतलब आदत नहीं है हमारा उतना, हम लोग टेक्निकली दोनों वर्ड को अलग नहीं करते हैं, लेकिन दोनों वर्ड अलग है, तो तुम लोग पढ़ रहे हो तो जरूर सीखोगे ये वाला चीज। फ्यूचर में कभी भी ट्रक कार ये सब खरीदते हो तो देखना, वो इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, वो हायर परचेज होता है। लेकिन जब हम लोग एग्रीमेंट के टाइम बात करेंगे ना, तो हम लोग भी मुंह से इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट बोलेंगे, और जो बेच रहा है वो भी इंस्टॉलमेंट बोलेगा, लेकिन हो रहा है वो हायर परचेज, ठीक है। अब ये क्यों रिपोसेस, ये फिक्स्ड एसेट पे ये सारा फीचर्स क्यों लगाया गया है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का बताओ रीसेल वैल्यू है कि नहीं, रीसेल वैल्यू है कि नहीं बताओ। अगर हम एक कार खरीद लिए, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे, हाँ, तो अगर सेलर जो है वो आके मेरे से मेरा जो कार है वो लेके चला गया, रिपोसेस करके चला गया, बोला कि आप दे नहीं पा रहे हो तो मेरा कार मुझे दे दो, अच्छा रीसेल वैल्यू इसका है, इसीलिए इसको इस रूल्स के अंदर लाया गया है, हायर परचेस के रूल्स के अंदर। किस तरह का प्रोडक्ट, जो फिक्स्ड एसेट है, स्पेशली फिक्स्ड एसेट मतलब वो सारा फिक्स्ड एसेट जिसका रीसेल वैल्यू है, ठीक है। आज के डेट पे मान लो किसी के लिए फ्रिज फिक्स्ड एसेट हो सकता है, नॉर्मली फ्रिज हमारे लिए फिक्स्ड एसेट ही होता है, ऐसा तो नहीं हम लोग आज खरीदे कल बेच दिए, नॉर्मली बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई बोलता है कि हम हर साल फ्रिज बदलेंगे, वो अलग बात है भाई, वो सब तो हो ही सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग एक फ्रिज खरीदते हैं तो हम लोग सोचते हैं चलेगा भाई, एक साल में तो बेचना नहीं। और अकाउंट्स क्या बोलता है कि फिक्स्ड एसेट का मतलब जो हम लोग मोर देन वन ईयर यूज करने वाले, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड एसेट का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, जिसका रीसेल वैल्यू होगा उसे हम लोग फिक्स्ड एसेट मानेंगे। क्या आज के डेट पे फ्रिज का कोई रीसेल वैल्यू है बताओ? अगर कोई शॉप वाला मतलब कोई सेलर अगर हमें हायर परचेज में फ्रिज बेचता है और वो आके फ्रिज फिर लेके जाता है, मुझे बताओ कि आज के डेट पे कोई फ्रिज का रीसेल वैल्यू है? शेरकुम नहीं, नहीं आजकल उतना नहीं है, लेकिन एक टाइम पे था, आज के डेट पे उतना नहीं है, ठीक है। आज के डेट पे टीवी, फ्रिज, लैपटॉप ये सब हम लोग के लिए ना मतलब ऐसा रीसेल वैल्यू वाला नहीं। ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट अभी भी है, ऐसा नहीं कि आज एक लैपटॉप खरीदे तो फिर एक साल बाद और एक खरीद लेते, लेकिन उतना रीसेल वैल्यू नहीं है। एटलीस्ट दुकानदार के रेस्पेक्ट से सोचो, उसके लिए रीसेल मतलब क्या, वो प्रोडक्ट को ले जाके उसको थोड़ा मॉडिफाई करके एज ए सेकेंड हैंड बेचना चाहेगा, तो बेचने वाला कंडीशन तो होना चाहिए ना। तो अगर हम लोग किसी भी फ्रिज को, टीवी को यूज कर रहे हैं तो वो तो थोड़ा बहुत टेक्निकली उसका जो हालत होगा ना, उसको रीसेल हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में वही सारा चीज सेल किया जाता है जिसका रीसेल वैल्यू नहीं होता है, जैसे कि ये सब टीवी, ठीक है, फ्रिज, ये सब इसका रीसेल वैल्यू नहीं होता है। अब मान लो टीवी खरीद के लेके आ गए इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, अब क्या कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अरे मेरा तो इंस्टॉलमेंट में खरीदा हुआ है, ठीक है, मेरा क्या हम नहीं देंगे इंस्टॉलमेंट, रिपोजेस भी नहीं कर सकता है, मेरा तो ओनरशिप आ गया। बहुत ऐसे बदमाश लोग होते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होते, क्योंकि देखो अगर हम लोग अपना रोड गंदा कर सकते हैं ना ऐसे, मतलब कचरा वगैरह फेंक के, रोड मेरा क्या है, मेरा घर साफ होना चाहिए, तो हम लोग ये सब भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इंसान कुछ भी कर
सकता है, इंसान ही अच्छा हो सकता है, इंसान ही बुरा हो सकता है, बाकी सब तो अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही लेके चलते हैं, हम लोग ही बदलते हैं जो भी हो। तो ये जो टीवी फ्रिज ये सब जो है, ये सब का आज के डेट पे ना कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए ये सब चीज इंस्टॉलमेंट में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में बेच दिया, अब बताओ फिर सेलर का क्या बेनिफिट है, क्योंकि सेलर ने इंस्टॉलमेंट में हमें टीवी या फ्रिज बेच दिया, ओनरशिप भी दे दिया, रीसेल हम लोग कर सकते, किसी को भी मन चाहे तोड़ सकते मरोड़ सकते, क्योंकि हमारा ओनरशिप आ चुका है, रिपोसेस वो कर नहीं सकता है, हम लोग इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिए, अब बताओ बेचारा वो क्या करे, अब उसका तो लॉस हो जाएगा, अब वो अपना लॉस कैसे रिकवर करेगा, क्या लगता है उसका लॉस होगा कि नहीं, पहले मुझे इतना बताओ, अगर कोई इंस्टॉलमेंट में बेच रहा है, अब अगर तुम लोग दुकानदार के रेस्पेक्ट से देख रहे हो, बताओ उसका, हाँ बताओ, लॉस होगा, यस लॉस होगा, बिल्कुल लॉस होगा, लेकिन उसके पास एक मेन कॉन्सेप्ट है, ये इसी का यही खड़ा हो रहा है कि मतलब पहले पहले के जमाने में जब फ्रिज एसी ये और टीवी ये सब, तब उस टाइम पे क्योंकि इतना अवेलेबल नहीं था और नया नया था तो वो लग्जरी आइटम में पड़ता था, उसका रीसेल वैल्यू होता था, लेकिन अब ये सिटी में आ गया है मोर देन लग्जरी में, इसीलिए उसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये मतलब थोड़ा इकोनॉमिक्स वाला बात हो गया कि अभी हम लोग के लिए लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी हो गया, इसलिए इसका रीसेल वैल्यू नहीं है, लेकिन सेलर के लिए तो पूरा लॉस है, फिर सेलर अपना लॉस कैसे रिकवर करेगा, एक एक्ट होता है, नहीं सेलर के लिए, सेलर के लिए तो लॉस है ना, बायर के लिए तो नहीं है, अगर हम खरीद के लेके आते हैं, रिकवर बायर से करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेगा, क्योंकि ओनरशिप वो दे दिया है, ठीक है, वो बोल रहा है कि ओनरशिप मिल गया मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, रिपोजेस वो कर नहीं सकता, एग्रीमेंट में लिखा हुआ इंस्टॉलमेंट देना मैंने बंद कर दिया, अब बेचारा सेलर क्या करे, तो एक एक्ट होता है, एक्ट का ईयर तो मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, ठीक है, एक एक्ट होता है जिसके हिसाब से, जैसे तुम लोग का कंपनीज एक्ट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, उसी तरह से जो मतलब रिकवरी कुछ ऐसा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक्ट ऑफ रिकवरी ऐसा कुछ है, हम नेक्स्ट दिन याद करेंगे, देख लेंगे क्या नाम है, मुझे पूरा याद तो नहीं आ रहा, किसी एक ईयर में ये एक्ट बनाया गया था, ये सेलर को ध्यान पे रखते हुए कि सेलर अपना रिकवरी कैसे करे कस्टमर से, अगर कस्टमर ऐसा हो तो, ठीक है, ये तो अनएथिकल है ना, ऐसा तो करना नहीं चाहिए हमें, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो उसके लिए लॉ है, हम लोग उस लॉ के हेल्प लेके उस कस्टमर से अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज आज के डेट पे टीवी फ्रिज उसके घर से लाके हम लोग रीसेल कर नहीं सकते, और वैसे भी हम लोगों ने जो सेल किया वो इंस्टॉलमेंट में किया, जहां साफ साफ हम लोगों ने लिखा था कि हम लोग रिपोजेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब रहा यहाँ पर हायर परचेज वाला बात, क्योंकि ट्रक जो कार ये सब क्या है, बहुत महंगा होता है, और इसको हम लोग चाहे तो सेकेंड हैंड के हिसाब से बेच सकते हैं, मतलब इसको अगर थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, जितना भी यूज हुआ है उस हिसाब से थोड़ा अगर मॉडिफाई कर देते हैं, तो मॉडिफिकेशन के बाद हम लोग इसे रीसेल कर सकते हैं, और इसका अच्छा खासा रीसेल वैल्यू मिल सकता है, इसीलिए इस पे ये रूल्स रखा गया है कि ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगा जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दोगे, यानी आप अपने मन से इसे रीसेल नहीं कर सकते हो, आप इसे सिर्फ यूज करो, जिस दिन आप इसके यूज का जो हायर चार्जेस है कंप्लीटली रूल्स के हिसाब से पे कर दोगे, तब आपका ओनरशिप हो जाएगा, और अगर आप इस बीच में जो हायर चार्जेस है वो मिस कर जाते हो, नहीं पे कर पाते हो, तो जो सेलर है उसका पूरा राइट है कि वो उस प्रोडक्ट को आपके घर से रिपोजेस करके लेके आ जाए और लाके उसे अपने हिसाब से बेच दे, और इस बीच में जितना भी हायर चार्जेस का पेमेंट पहले किया हुआ है, मान लो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 है, मैंने ये वाला पे कर दिया, ये वाला यहां से हम नहीं कर पा रहे, अब ये मेरा कैंसिल है, तो इसका मतलब ये सब भी नहीं किया होगा मैंने, और यहां पर मान लो रिपोजिशन हो गया, क्योंकि मैंने फर्स्ट फेल कर दिया, रिपोजिशन हो गया, मैंने फर्स्ट हायर चार्जेस जो है वो फेल कर दिया, तो अगर फर्स्ट हायर चार्जेस फेल कर दिया, मेरा रिपोजिशन हो जा रहा है, तो ये जो मेरा दिया हुआ पेमेंट है ये मुझे वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा हायर चार्जेस वाला पेमेंट वापस कर दो, नहीं, इसके बदले तो तुमने यूज किया है ना 2 months, तो फिर ये तुम नहीं रिकवर करवा सकते हो, ठीक है, तो फिर सेलर क्या करेगा, आएगा लेके चला जाएगा, तो देखो लॉ जो है, लॉ के हिसाब से हमारा दोनों चीज में ही क्या है, दोनों के तरफ ध्यान रखा गया
गया है सेलर के तरफ भी और बायर के तरफ भी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मानने का कोई जरूरत नहीं तो हम लोग सब इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे, अपने मन से कुछ भी करेंगे, नहीं। वो चाहे तो हम पे लीगल सू कर सकता है, बोल सकता है कि नहीं ये जो एक्ट है, इसका ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके हिसाब से वो लीगली हमसे रिकवर करवा सकता है वो पैसा जो हम लोगों ने उसे इंस्टॉलमेंट के हिसाब से नहीं दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हायर परचेस में क्या हो जाएगा, इसमें रीसेल वैल्यू है इसीलिए आके रिपोजेस कर सकता है। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि हम लोग ओनरशिप है तो हम लोग सोच रहे हैं इसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ठीक है, इसे खराब करेंगे, इसको कैसे भी यूज करेंगे, फिर पैसा नहीं देंगे। लेकिन उसमें देखा हम लोगों ने कि एक लीगल रूल्स है जिससे हम लोग ऐसा करेंगे फिर भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ऐसे करके बच नहीं सकते हैं। रहा हायर परचेज में, अब मान लो हायर परचेज में जो कार खरीदा है हम लोगों ने उसको हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें भी तो कुछ लॉसेस हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कुछ एक्सीडेंट कर दिया, थोड़ा स्क्रैच आ गया, उसके बाद हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो इसका डीलिंग्स कैसे होगा? इसका डीलिंग्स इस तरह से होता है कि अगर हम लोग जानबूझ के कुछ किए हैं, देखो अभी तो इंश्योरेंस करवा लेना पड़ता है पहले ही, नहीं तो कार को रोड में लाने नहीं देगा या फिर ट्रक वगैरह को, तो उससे रिकवरी हो जाता है। अब बात यहाँ पर मेन इतना है कि अगर हम लोग जानबूझ के खराब करें, मतलब अगर इंटेंशनली अगर हम लोग प्रोडक्ट को हार्म कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा सेलर को, अगर हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया, बाय चांस हो गया है, ठीक है, वो देखा जाएगा, वो सब देखने के लिए लोग रहते हैं, वो देखेगा कि ये सच में जानबूझ के किया हुआ है या फिर ये हो गया है। अगर ये लॉस जानबूझ के नहीं हुआ है तो फिर वो लोग ये चीज रिकवर नहीं करेंगे कस्टमर से, ठीक है, वो लोग खुद ही उसको देख लेंगे कि कैसे उसको डील करना है। लेकिन अगर उन लोग को पता चल जाता है कि इंटेंशनली ऐसा किया गया है तो फिर उसके उस केस में जो बायर है उसी को उसका खर्चा बियर करना पड़ेगा, ये वो लोग चेक करके देखेगा। और कैसे देखेगा, उस उन लोग का प्रोसीड्योर्स होता है जैसे इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रोसीड्योर फॉलो करके देखती है कि अच्छा सच में क्या एक्सीडेंट हुआ था, मतलब यहाँ पर कि इंश्योरेंस हम लोग भरेंगे, देखना पड़ेगा। जैसे जो हम लोग लास्ट चैप्टर कर रहे थे, ठीक है, वहां पर क्या होता है, ये फायर बहुत केस में क्या होता है ना, लगा दिया जाता है गोडाउन में। जैसे मान लो पुराना प्रोडक्ट है बहुत सारा, बिक नहीं रहा है, जानबूझ के आग लगा दिया जाता है ताकि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाए और जो प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा था उसमें कुछ तो रिकवरी हो जाए। तो ये सब वो लोग चेक करते हैं कि कहीं जानबूझ के तो आग नहीं लगा है रिकवर करने के लिए या फिर सच में ही आग लगा है। तो ये सब उन लोग के पास प्रोसेस होता है, तो वो लोग अपना देख लेते हैं कि किस तरह से वो चेक करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जिस जितना हुआ हमारा हायर परचेस का किस तरह से। अच्छा, इंस्टॉलमेंट एंड हायर परचेस के अंदर डिफरेंस आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिफरेंस मैंने इस तरह से बताया है, बाकी तुम लोग अपने अपने मैट से देख सकते हो, सबका मैट है सबके पास, तो वहां से तुम लोग देख सकते हो तुम लोग का क्या हुआ है, ठीक है। डिफरेंस बताया हुआ है ओनरशिप के रिगार्डिंग, डिफॉल्ट अगर हो जाता है पेमेंट करने पे, राइट ऑफ सेल, ठीक है, जैसे इसमें राइट ऑफ सेल होता है, इसमें राइट ऑफ सेल नहीं होता है, लॉस ऑफ डैमेज, ठीक है, डैमेज अगर कर दिया जाता है तो उसमें किस तरह से रिकवरी होगा। अच्छा, ये गैम हम लोग का एक मेन पॉइंट हायर परचेस का इंट्रो। अच्छा, अब यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन होगा, एक तो हमारा जर्नल एंट्री ये सब होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे कि हम लोग किस तरह से कैश प्राइस, देखो यहाँ पर क्या क्या आएगा, हम लोग हायर परचेज पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज ना इंस्टॉलमेंट रह सकता है, लेकिन हमें हायर परचेज ही करना है। हायर परचेज के हिसाब से देखो, फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट मतलब जिसमें हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस या फिर कैश प्राइस भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, किस तरह से कैलकुलेशन होगा कैश प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। तो कैश प्राइस मतलब टोटल जो प्राइस होता है दैट इज कैश प्राइस, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट मतलब जो हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे दैट इज इंटरेस्ट, और इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, पॉइंट वन इस पे देखो, वेन एवर इंस्टॉलमेंट आर मिसिंग, अगर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट ही नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को कैसे करना पड़ेगा, द इंस्टॉलमेंट शुड बी कैलकुलेटेड
बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन. Following formula is used. Principle तीन कॉलम करेंगे, principal, installment और interest. Cost या फिर cash price लेस करेंगे प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल पेड अमाउंट है, जितना हम लोगों ने पेड कर दिया. उसके बाद जो बचेगा इसको बोलेंगे बैलेंस. फिर लेस बैलेंस. अच्छा, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट. मैंने यहाँ पर तीन प्रिंसिपल दिखाया, मतलब तीन इंस्टॉलमेंट का दिखाया. इस तरह से हमें करना पड़ेगा. अब ये कैसे एप्लीकेबल होगा वो तो एक एग्जांपल से ही पता चलेगा. व्हेनेवर क्वेश्चन रिक्वायर्स इक्वल इंस्टॉलमेंट, इट मींस इक्वल प्रिंसिपल इन ईच इंस्टॉलमेंट. अच्छा, अब एक एग्जाम्पल देखो. ए सोल्ड ऑन हायर परचेज, ठीक है, हायर परचेज वन मशीन. डाउन पेमेंट 30,000. कॉस्ट या फिर कैश प्राइस 2,20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे हम ROI लिख रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अलोंग विथ इंटरेस्ट वन टू बी पेड. कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट अमाउंट. अच्छा, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है. क्वेश्चन में दिया है कि ए बोल के कोई है जिसने सेल किया है हायर परचेस में एक मशीन. डाउन पेमेंट 30,000, जिसका डाउन पेमेंट लिया है 30,000. कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रोडक्ट का पूरा प्राइस है 2,20,000. मतलब अगर हम लोग पे कर पाते तो डायरेक्ट 2,20,000 पे करने से ही हो जाता, लेकिन नहीं पे कर पा रहा है तो इंस्टॉलमेंट में उसने सेल कर दिया 2,20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, क्योंकि बाद में हम लोग पे करेंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%.
फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट, पांच इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा एलोंग विद इंटरेस्ट वन टू बी पेड, उसमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब ही होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट अमाउंट, हमें बोला इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करो, मतलब ये वाला जो हम लोगों ने पढ़ा इसके ऊपर है, ठीक है, कि व्हेनेवर इंस्टॉलमेंट आर मिसिंग हम लोग कैसे इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ था, व्हेनेवर क्वेश्चन रिक्वायर्स इक्वल इंस्टॉलमेंट, इट मीन्स इक्वल प्रिंसिपल इन ईच इंस्टॉलमेंट। देखो यहाँ पर है इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब इक्वल प्रिंसिपल, इक्वल प्रिंसिपल, ये समझ में आएगा जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखो इक्वल प्रिंसिपल, देखो कैसे सॉल्व करना है नॉर्मल। देखो जब हम लोग खरीदने जाएंगे, अगर हम लोग ही बायर है तो हम लोग पहले पूछेंगे कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना आ रहा है, 2,20,000। अच्छा इसमें से बोल रहा है कि डाउन पेमेंट तो कुछ आपको करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी का हम लोग इंस्टॉलमेंट दे देंगे। डाउन पेमेंट कितना है, 30,000, तो लेस कर देते हैं डाउन पेमेंट 30,000। अब बताओ कितना मुझे पेमेंट करना बाकी रह जा रहा है, हम कितना नहीं पे कर पा रहे उतना ही इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, बताओ कितना बाकी रह रहा है, 190,000, ये मुझे पे करना पड़ेगा। और ये मुझे पे करने का मौका मिलेगा पांच इंस्टॉलमेंट में, लेकिन मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चल रहा है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू जहां पर कोई इंटरेस्ट वगैरह एडेड नहीं होगा। तो 2,20,000 ये प्रिंसिपल वैल्यू है जो खरीद रहा है उसके लिए, यहाँ तो कोई इंटरेस्ट एड नहीं किया है सेलर ने, फिर बोला है 30,000 डाउन पेमेंट कर दो, तो ये भी मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ही है, 2,20,000 से 30 मैंने पे कर दिया, अब मेरा बचा है 1,90,000, ये भी मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है। अब ये बाकी जो है मुझे इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो एक इंटरेस्ट का भी कॉलम कर लेते हैं। अच्छा अब कैसे कैलकुलेशन होता है इसका, ये देखो, अच्छा इंटरेस्ट जब हम लोग को पे करना है और इंस्टॉलमेंट पे करना है, और जब बोला है फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी इक्वल प्रिंसिपल, तो इक्वल प्रिंसिपल बताओ प्रिंसिपल मेरा और कितना बाकी है पे करने का, 1,90,000, अगर इसे मुझे पांच इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब इक्वल प्रिंसिपल, अगर पांच इक्वल प्रिंसिपल 38,000, एक एक प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 38,000 करके, ठीक है, तो यहाँ पर हर एक इंस्टॉलमेंट मेरा अगर पांच इंस्टॉलमेंट हो रहा है तो हर एक इंस्टॉलमेंट में 38,000 तो प्रिंसिपल का वैल्यू आएगा, 38,000 प्लस इंटरेस्ट, है ना। फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा स्पेस रखना है मुझे ताकि लिख पाए, 38,000 प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट, फिर ये पहला वाला हो गया, दूसरा 38,000 प्लस फिर से इंटरेस्ट, दो तीन 38,000 प्लस इंटरेस्ट, फिर चार 38,000 प्लस इंटरेस्ट, और लास्ट में पांच 38,000 प्लस इंटरेस्ट। देखो कैसे इंस्टॉलमेंट मिलेगा इस क्वेश्चन में वो तो हमें पता चल गया, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से होगा क्योंकि फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब हमेशा याद रखो कि पांच इक्वल प्रिंसिपल का बात कर रहा है, इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, इंस्टॉलमेंट अनइक्वल ही होगा, प्रिंसिपल इक्वल होगा तभी उसे फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट कहा जाता है, अभी प्रूव हो जाएगा। 38,000 करके था, अब इंटरेस्ट कितना करके है, 10%। इंटरेस्ट किस पे लगना चाहिए, जितना हम लोग लोन ले रहे हैं उस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। बताओ हम लोगों ने सेलर से कितने का लोन ले लिया है, अगर हम लोग बोल रहे हैं 1,90,000 बाद में पे करेंगे तो फर्स्ट केस में हमारा लोन कितना हो गया, इसका मतलब तो लोन ही हुआ ना, एक तरह से 1,90,000 का लोन लिया, तो इंटरेस्ट भी उसी पे देना चाहिए 10%, साल का 19,000 हो जाएगा, तो ये 19,000 यहाँ पर और यहाँ 19,000 मैंने इंटरेस्ट लिख दिया। बताओ पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा टोटल करके, ये बता दो तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 57,000, ठीक है। अच्छा अब लोन के तरह सोचना है हमें, ठीक है, लोन के तरह, तो 1,90,000 में से
कितना पे किए हम लोग, अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग 57,000 पे किए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल का कॉलम है, ऑब्वियसली 57,000 ही पे किए हैं हम लोग, 38,000 एंड 19,000, बट 19,000 तो फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन प्रिंसिपल का कॉलम है ना, प्रिंसिपल कितना पे किए वो बताओ, 38,000 पेमेंट किए, 38,000, तो इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंसिपल पेड, प्रिंसिपल पेड, अब रिलेट कर पाओगे धीरे धीरे, प्रिंसिपल पेड, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल पेड कितना, 38,000, ठीक है। अच्छा बचा कितना बताओ माइनस करने से, 1,52,000 ये बच गया। अब बताओ फिर से लोन कितने का ले लिया हम लोगों ने, 1,52,000 का जितना बैलेंस बचेगा वही मेरा लोन का अमाउंट होगा, फिर इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%, जो कि 15,200 होना चाहिए, है ना, 1,52,000 पे कितना होगा 15,200, यहाँ भी लिख दिया 15,200, बताओ इसका इंस्टॉलमेंट कितना हो रहा है, टोटल करने से पता चलेगा 38, ये कितना होगा 53,200 ये हो गया। अब इसका भी करेंगे, अब बताओ फिर से अगर हम लोग प्रिंसिपल पेड यहाँ पर हमें देना है तो बताओ प्रिंसिपल फिर से हम लोगों ने कितना पे किया, सेम 38,000, फिर अब बता दो बैलेंस जो आ रहा था 1,14,000। अच्छा अब इस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये इंस्टॉलमेंट देखो, ये देखो ये वाला इससे रिलेटेड है ना, ये वाला इससे रिलेटेड है, और ये वाला यहाँ पर हम लोग फिर से 38 पे करेंगे। चलो अब फिर से 1,14,000 का हम लोगों ने लोन ले लिया है, ठीक है, 1,14,000 अभी नहीं दे पा रहे, एक साल बाद देंगे, ठीक है, एक साल बाद विथ इंटरेस्ट हम लोग देंगे, तो कितना हो जाएगा 11,400। हाँ अब इसका टोटल करना पड़ेगा तो इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगा 44,900, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये पे किया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू और कम हो गया, प्रिंसिपल पे 38,000 कर दिया और बचा कितना, ये कितना बच रहेगा 76,000। अच्छा फिर से 76,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% के हिसाब से, तो 7,600, फिर यहाँ पर 7,600, तो इंस्टॉलमेंट कितना बन गया 600, और ये 7 और 8 15 45 600। अच्छा फिर से हम लोग लास्ट प्रिंसिपल होगा शायद, ये देखो ये तो पे कर दिया ना हम लोगों ने, ये वाला, अच्छा और एक बाकी रहेगा 38,000 पे करते हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल पेड कितना हुआ 38 ही होना चाहिए तभी तो ये कंप्लीट होगा, 38। हाँ यही तो बचना चाहिए लास्ट में, उन लोगों ने उसी हिसाब से अपना जो पेपर है प्रिपेयर किया होगा कि ऐसे अगर हम लोग 38 लेंगे तो हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर से 38,000 पे इंटरेस्ट 3,800, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 3,800, दोनों का टोटल करो 41,800, तो ये हो गया। अच्छा अब देखो ये लास्ट ये वाला ये प्रिंसिपल अब हमें पे कर देना है, तो लास्ट प्रिंसिपल हम लोग पे कर देते हैं 38,000 हो गया नील, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और ये जो कार ना क्या मशीन खरीदा है वो हमारे ओनरशिप में आ जाएगा, ठीक है। देखो बताया ना हायर परचेस में, यानी जब तक हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हैं जो कि 41,800 का है, तब तक हमारा ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तब तक हम लोग जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो हायर चार्जेस काउंट होगा, मतलब ये एक हायर चार्जेस है क्योंकि टोटल पेमेंट करेंगे ना, ना तो वो सिर्फ प्रिंसिपल लेगा ना तो वो सिर्फ इंटरेस्ट लेगा, वो तो दोनों का टोटल लेगा, और पहला ये डाउन पेमेंट जो है इसे भी हम लोग इंस्टॉलमेंट की तरह सोच सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये डाउन पेमेंट है, ये डाउन पेमेंट, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, ये एक मतलब फॉर्मेलिटीज होता है कि कुछ तो आप पे कर दीजिए, पूरा ऐसे नहीं ले जा सकते, तो ये थोड़ा सा देना पड़ता है। तो इस तरह से कैलकुलेट होगा जब हम लोगों का व्हेनेवर इंस्टॉलमेंट आर मिसिंग द इंस्टॉलमेंट शुड बी, कैसे इंस्टॉलमेंट को हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरह से। अच्छा अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है देखो, एक्स परचेज ए कार ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/1
2011 होगा, द टोटल कैश प्राइस. अब कैश और कॉस्ट प्राइस लेकिन एक ही चीज है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है. कहाँ पर कैश प्राइस भी बोल सकता है, कहीं पर कॉस्ट प्राइस भी बोल सकता है, क्योंकि हमारे लिए कॉस्ट होता है जो हम लोग खरीदते हैं. कैश प्राइस 4,50,000, पेएबल 90,000 डाउन एंड 3 इंस्टॉलमेंट. यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बता दिया, यहाँ पर कुछ अलग पॉइंट है. जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया वहां इंस्टॉलमेंट ही नहीं दिया हुआ था, तो हम लोगों ने पूरा इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट निकाला. यहाँ पर बताया है कि 3 इंस्टॉलमेंट, अब नहीं बताया कि इक्वल या फिर अनइक्वल, तो कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग ये नहीं सोच सकते कि प्रिंसिपल इक्वल है. 3 इंस्टॉलमेंट है 1,70,000, 1,50,000, 1,08,460, पेएबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, इंटरेस्ट 10% पर एनम. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड बाई द बायर टू द सेलर ईच ईयर. हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो देखो कैसे होगा. तो ये वाला पॉइंट का हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं, ये कैसा सिचुएशन है. यहाँ पर हेडिंग लिखो, वेन रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन वी शुड कैलकुलेट इंटरेस्ट. हाँ, हम लोग को अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहे तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है. सिचुएशन ऐसा आएगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखो यहाँ पर कैश प्राइस तो हमें बता दिया है, फोर लैख फिफ्टी. कार है एक, 4,50,000 है इसका कैश प्राइस. अच्छा, लेस कर देंगे डाउन पेमेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट देते ही हमारा पेमेंट का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो डाउन पेमेंट हमेशा लेस होगा. तो हम लोगों ने 90,000 पेमेंट करके खरीदा है, तो बचा कितना बैलेंस, 3,60,000 हमारा बैलेंस बच गया. यानी हम लोगों ने सेलर को एक टाइप में ये बोल दिया कि मुझे 3,60,000 का लोन दे दो, क्योंकि हम ये पेमेंट जो है वो बाद में करने वाले हैं और इस तरह से करने वाले. यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बता दिया 1,70,000, 1,50,000 और 1,08,460. तो अगर हम लोग जैसे कर रहे थे उसी फॉर्मेट में करें तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, ये प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट और यहाँ पर इंटरेस्ट, तो यहाँ पर बैलेंस जो है बैलेंस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये लोन अमाउंट होता है. अब इंटरेस्ट का रेट बता दिया है 10% पर एनम, तो इंस्टॉलमेंट तो क्वेश्चन में गिवन ही है. पहला इंस्टॉलमेंट है 1,70,000, तो बताओ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, कितने पे दे और कितना अमाउंट होगा. 36,000 हो जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट 10% बेसिस पे. हमेशा जो लोन अमाउंट हो जाएगा ना, लोन अमाउंट मतलब जो नहीं दे पा रहे, जितने दिन तक नहीं दे पा रहे वो पूरा ही हमारा लोन होता है. तो 36,000 देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 3,60,000 को पार्ट पार्ट करके पेमेंट करने वाले. और इंस्टॉलमेंट मुझे बता दिया है क्वेश्चन में ही 1,70,000, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 134,000. ये प्रिंसिपल आएगा ना. यस मैम. ये देखो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, और हमें इंस्टॉलमेंट इस क्वेश्चन में बता दिया है 1,70,000. इंटरेस्ट हम लोगों ने खुद कैलकुलेट कर लिया 36,000, ठीक है. तो बाकी अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है. अगर तुम लोग एक बार माइनस करके देखोगे तो यही मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है. तो 1,70,000 मैंने पे किया, जिसमें 36,000 मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैंने ये इतना का लोन लेके रखा था, और 1,34,000 प्रिंसिपल अमाउंट था. अब बताओ, अब कितना मैंने पेमेंट कर दिया. यहाँ पर क्या लिखना चाहिए हमेशा, ये तो प्रिंसिपल का कॉलम है, क्या लिखे. 1,34,000 प्रिंसिपल पेड यहाँ पर लिखना चाहिए,
4000 मैंने पे कर दिया, यहाँ पर अगर 1,70,000 लिखोगे गलत हो जाएगा। अभी तो मैंने सिखाया था ना, ये प्रिंसिपल कॉलम है, यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट लिख रहे हैं। 1,34,000 ये वाला अमाउंट पे कर दिया विद इंटरेस्ट, टोटल 1,70,000 पे कर दिया, बचा कितना? 2,26,000। अच्छा 2,26,000। हाँ ये बैलेंस हो गया। अच्छा अब बैलेंस हो गया, बैलेंस को भी हम लोग फिर एक साल बाद पे करेंगे तो फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 10% रेट पे बताओ कितना हो जाएगा? 22,600। अच्छा यहाँ पर इंटरेस्ट तो मैंने 22,600 पे कर दिया, ठीक है। अच्छा इंस्टॉलमेंट में मुझे क्वेश्चन में बता दिया है 1,50,000, तो बताओ प्रिंसिपल कितना पे किया होगा? 1,27,400। बैलेंस करके आ जाएगा 1,50,000 से 22,600 माइनस करोगे, बैलेंस करके आ गया। अच्छा अब फिर से हम लोग देखेंगे कि हमारा लोन का अमाउंट कुछ ना कुछ तो कम होगा, जैसे इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, यहाँ पर प्रिंसिपल पेड लिख लेते हैं, कितना प्रिंसिपल पे किया? 1,27,400, ठीक है इतना पे कर दिया, बचा कितना? 98,600। 98,600 ये बचा। अब इस पे हमें क्या देना पड़ेगा? इस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%, तो कितना होगा? 9,8,60। ये देखो ये गलत हो गया, मुझे लग रहा है 20 मैम 1,27,400 वो ठीक है तो। अच्छा ठीक है क्या 1,27,400? अच्छा ये माइनस ठीक है? यस मैम 98,000। अच्छा ठीक है तो 9,860। अच्छा 9,860 इंटरेस्ट हो जाएगा 10% के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट 9,860 पे किया है, प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, ये है इंस्टॉलमेंट 1,08,460। 1,08,460, तो प्रिंसिपल कितना हो रहा है माइनस करके देख लो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 98,600। 98,600 तो बैलेंस 98,600 ही था और हम लोगों ने प्रिंसिपल पे कर दिया 98,600, हमारा लोन जो है वो कंप्लीट हो गया। मतलब ये नील लिख सकते हो या फिर क्रॉस कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को एक्चुअली बोला था इंटरेस्ट कैलकुलेट करने, हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा दिया, तो इसमें और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर सारा प्रिंसिपल क्या था 38,000, लेकिन यहाँ पर सारा प्रिंसिपल अलग अलग है और इंटरेस्ट भी अलग अलग है। 1,34,000, 1,27,400 और 98,600, और क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा था कि इक्वल इंस्टॉलमेंट या फिर इक्वल प्रिंसिपल। अगर इक्वल प्रिंसिपल लैंग्वेज डायरेक्टली यूज कर दिया तो तुम लोग समझ ही जाओगे कि सारा प्रिंसिपल एक जैसा होना चाहिए, लेकिन अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है तो इसका मतलब इक्वल प्रिंसिपल होता है, और इस क्वेश्चन में नहीं बोला था इक्वल इंस्टॉलमेंट और हुआ भी नहीं। देखो ऐसे हुआ भी नहीं क्योंकि अनइक्वल भी तो नहीं बोला है, लेकिन क्वेश्चन में जब स्पेसिफाई कर देना कि इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो तुम लोग को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि तुम लोग का जितना भी प्रिंसिपल आएगा वो इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है। अगर अलग आ रहा है तो कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, इक्वल ही आना चाहिए अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट है, और अगर नहीं लिखा हुआ इक्वल इंस्टॉलमेंट तो वो अनइक्वल इक्वल कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो अनइक्वल हुआ, ये तीनों अमाउंट जो है वो अलग अलग है। तो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% था जो कि इस क्वेश्चन में, अच्छा और हमें कैश प्राइस दिया हुआ है 4,50,000, इंस्टॉलमेंट हमें दिया हुआ है कितना, ये 1,70,000, 1,50,000, 1,08,460 गिवन था, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला है, तो हम लोग इस तरह से इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। When rate of interest and installments are given but total cash price is not given, लेकिन कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है तो उस केस में क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है,
एक परचेज है टीवी ऑन हायर परचेज, जबकि आज के रेट पे टीवी हायर परचेज पे नहीं परचेज होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम लोग को चीज पता होना चाहिए कि कैसे होता है। तो एक्स परचेज है टीवी ऑन हायर परचेज सिस्टम, एज पर टर्म्स ही इज रिक्वायर्ड टू पे 3000 डाउन, 3000 डाउन पेमेंट करना है उसको, 4000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 3000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड 5000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मतलब तीन इंस्टॉलमेंट है, 4000, 3000, 5000। इंटरेस्ट बता दिया 12% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस ऑफ टीवी एंड इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ कितना इंटरेस्ट पे किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में कैसा है देखो, तीन इंस्टॉलमेंट है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हम लोगों ने कितना कैश प्राइस है ये हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, ये हम लोग को नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को क्या दिया हुआ है कि डाउन पेमेंट बता दिया है, डाउन पेमेंट हम लोगों ने किया है 3000, ठीक है। अच्छा, 4000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अगर मेरा तीन इंस्टॉलमेंट है, ये 1, 2 और 3, ठीक है, 4000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अच्छा उसके बाद 3000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, उसके बाद 5000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और ये सब इंस्टॉलमेंट है और सारा का सारा 12% इंटरेस्ट के साथ दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट, ये भी इंस्टॉलमेंट और ये भी इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस कितना है, प्रिंसिपल नहीं पता हमें, प्रिंसिपल प्लस 12% इंटरेस्ट, ये भी बना हुआ होगा प्रिंसिपल प्लस 12% इंटरेस्ट के साथ, और ये अमाउंट जो है ये भी बना हुआ होगा प्रिंसिपल प्लस 12% इंटरेस्ट के साथ। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, डायरेक्टली कैश प्राइस नहीं बताए, हमें यहाँ पर कैश प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट बता दिया, इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट सब बता दिया, मतलब अगर इस क्वेश्चन में देखो तो ये 4,50,000 को छोड़ के बाकी सारा चीज यहाँ पर अवेलेबल रखा गया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो मैम, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होगा 428। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 428 नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट तो 428, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, 428 तो नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट ना देखना हमेशा एक जैसा नहीं होगा, इंटरेस्ट देखो एक चीज ध्यान दो, इंटरेस्ट कैसे होगा दोनों क्वेश्चन में देखो, क्या इंटरेस्ट का अमाउंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, चेक करो, 19,000, 15,200, 11,400, 7,600, 3,800, क्या इंटरेस्ट का अमाउंट कम हो रहा है? यस मैम। क्यों कम हो रहा है? इंटरेस्ट किस पे देते हैं हम लोग? लोन जितना अमाउंट लोन अमाउंट उस पे, और जितना बार लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे लोन का अमाउंट रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो लोन का अमाउंट अगर रिड्यूस होगा, मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट भी जैसे ईयर बाय ईयर जाते जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट कम होगा। इसमें भी सिमिलर हुआ होगा देखो, 36,000, 22,600, 98,600, 9,860। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो लोन का अमाउंट है, जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल पे करते जाते हैं हमारा लोन का अमाउंट क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है, लोन का अमाउंट हमारा कम होते जा रहा है, इसीलिए इंटरेस्ट जो है वो हमेशा हमारा रिड्यूस होते जाएगा। अच्छा, हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखो, जैसे ये वाला, ये इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रिंसिपल 1 प्लस 12%, ये प्रिंसिपल 2 और ये लिख देते हैं प्रिंसिपल 3, ऐसे एक बार लिखते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है इसीलिए प्रिंसिपल 1, ये सेकेंड टर्म का प्रिंसिपल है इसीलिए प्रिंसिपल 2, और ये थर्ड टर्म का प्रिंसिपल है इसीलिए इसको मैंने लिखा है प्रिंसिपल 3, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज देखो, इसके साथ रिलेट करके समझाते, जब हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहे हैं 13,000, यहाँ पर हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट दिया है 36,000 इस बैलेंस अमाउंट पे, ठीक है। तो ये कौन सा अमाउंट है बोल सकते हो, ये बैलेंस कौन से कॉलम का है, ये कौन से अमाउंट पे हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया है, क्या इतना बता सकते हो तुम लोग, ये जो अमाउंट है इसे हम लोग कौन सा अमाउंट कहेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट।
प्रिंसिपल अमाउंट पे हम लोगों ने 36,000 दिया है, मतलब प्रिंसिपल इनटू मतलब 3,60,000 इनटू कितना कर दिया हम लोगों ने 10%, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये मैंने प्लस समझाया है, मतलब प्रिंसिपल और उस इंटरेस्ट दो, लेकिन देना तो है प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड वाला देखो, जब ये 22,600 किया है तो ये 2,26,000 पे किया है, ठीक है। तो ये 2,26,000 पे जो किया है, ये कौन कौन सा प्रिंसिपल है? ये तो प्रिंसिपल वन हो गया, ये कौन कौन सा प्रिंसिपल बाकी है बताओ? ये प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? टू। ये प्रिंसिपल क्या हो गया? ये सिर्फ प्रिंसिपल टू है, या फिर ये बताओ, मतलब ये तो प्रिंसिपल वन हो गया, लेकिन इसमें तो टोटल मेरा प्रिंसिपल इंक्लूडेड है ना, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये टोटल प्रिंसिपल बाकी है, मतलब कैसे समझाए, ये अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर नहीं करते हैं हम लोग, तो पूरा 3,60,000 बाकी है और इसे हमें तीन इंस्टॉलमेंट में देना है। देखो 3,60,000 यहाँ पर समझाते हैं, 3,60,000 टोटल बाकी है आफ्टर डाउन पेमेंट और इसे मुझे तीन इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी तीन प्रिंसिपल तीन इंटरेस्ट एंड उसके वजह से तीन इंस्टॉलमेंट। तो क्या ये हम लोग P1 प्लस P2 प्लस P3 बोल सकते हैं? क्या ये तीनों प्रिंसिपल का टोटल है, हाँ कि ना? थोड़ा सा सोचो, क्या ये तीनों प्रिंसिपल का टोटल है 3,60,000? एक बार टोटल करके देखो ना, तीनों प्रिंसिपल टोटल करके देखो, 1,00,000। क्या एग्री हो तुम लोग सबको? एक बार देख लो, 1,34,000, 1,27,400 और 98,600, क्या तीनों प्रिंसिपल टोटल करने से 3,60,000 आता है या नहीं आता है बताओ? देख लो टोटल करके। yes, आ रहा है। इसका मतलब मेरा टोटल इतना बाकी है और मुझे अगर तीन इंस्टॉलमेंट में देना है तो मुझे तीन प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा, तीन इंटरेस्ट भी, लेकिन अभी हम प्रिंसिपल का बात कर रहे हैं। तो तीन प्रिंसिपल मिला के 3,60,000, यानी एक्चुअली प्रिंसिपल वन ये हो गया, प्रिंसिपल टू ये हो गया और प्रिंसिपल थ्री ये हो गया, ये तीनों मिला के 3,60,000। यानी फर्स्ट टाइम जब मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम जब मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देन 10% इनटू P1 प्लस P2 प्लस P3, बताओ एग्री या फिर नहीं? क्या यही किया था हम लोगों ने? एक बार देखो, थोड़ा सा बैक में सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा तो हम लोग को दिमाग पे जोर देना ही है। ये देखो, हाँ, अगर हम लोग कर रहे कि नहीं, P1 प्लस P2 प्लस P3 करते हैं, तभी तो 36,000 होता है, उस पे 10% लगाते हैं। देख लो एक बार सब कोई, थोड़ा सा ये चीज क्रिटिकल होता है इसलिए हम बोल रहे हैं, एक बार चेक करो सब कोई। अब नेक्स्ट जब इंटरेस्ट देंगे तो बताओ कितने अमाउंट पे दिया था, यहाँ से पहले अमाउंट देख के बताओ। नेक्स्ट इंटरेस्ट दिया था हम लोगों ने 2,26,000 पे, करेक्ट? तभी तो 22,600 आया था। यस मैम, ठीक है। अब ये कौन से दो प्रिंसिपल का टोटल है, क्योंकि एक तो दे दिया हम लोगों ने, क्या ये P2 प्लस P3 का टोटल है? करके देख लो, 1,27,400 और 98,600, वो दो पे किया तभी तो वो अमाउंट नील हो गया, क्या ये P2 और P3 का टोटल है बताओ? यस मैम। तो ये P2 प्लस P3 करते हैं तब आ जाता है 22,600, ठीक है, इंटरेस्ट आ गया। एंड लास्ट हम लोग जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो प्रिंसिपल थ्री पे कर रहे हैं, क्यों बताओ? एक एक प्रिंसिपल जैसे ही पे करेंगे, एक एक प्रिंसिपल रिड्यूस हो जाएगा, तो इस पे 9,860 आया, करेक्ट? 9,860 आ गया इस पे इंटरेस्ट, जो कि प्रिंसिपल थ्री पे है। तो मेरा जो टारगेट था तुम लोग को ये समझाना कि ये P1 P2 P3 का कंसेप्ट क्या है। तो P1 P2 P3 का कंसेप्ट इस तरह से होगा, ठीक है, जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल पे करते जाएंगे, हमारा प्रिंसिपल जो है धीरे धीरे कम होते जाएगा। अब यही वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ये प्रिंसिपल के हिसाब से लिखा है, इसको एक बार रब कर देते तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो इसको एक बार हटा देते, हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोगों ने जो समझा उसके हिसाब से हम लोग को अपना यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो, ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होगा, 10% इंटू P3,
लास्ट इंटरेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, 10% इंटू P3, तो यहाँ पर तो इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए, देखो जब हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व करेंगे तो कौन सा जल्दी सॉल्व होगा, ये P3 निकल जाएगा, P3 को यहाँ पुट करेंगे तो P2 निकल जाएगा, मतलब ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, हम एक बार समझाना चाह रहे हैं कि क्यों हम लोग इस क्वेश्चन में थर्ड नंबर इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर तीन अननोन फिगर है, दैट इज P1, P2, P3, ठीक है। तो मुझे अगर तीनों फिगर कैलकुलेट करना है, इस ये जो मान लो ये मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ P1, P2, P3, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो मुझे P3 मिलेगा, P3 को यहाँ पुट करेंगे तो मुझे P2 मिलेगा, और ये P2 P3 को यहां पुट करेंगे तो मुझे P1 मिल जाएगा, यानी मुझे लास्ट वाले से कैलकुलेट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन में इसी तरह का एक सिस्टम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो जब मेरा कैश प्राइस नहीं रहेगा तो हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है, 5000 है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से करेंगे, देखो इंस्टॉलमेंट 3 या फिर थर्ड लिख देते, थर्ड इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 5000। अच्छा, थर्ड इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हर इंस्टॉलमेंट का मतलब ही होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब तो प्रिंसिपल हो गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट में देखो, थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर चेक करो, इसके साथ हम लोग टैली करते हुए चलेंगे। यहाँ पर थर्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब ये वाला था 1,08,460 था, ठीक है, 1,08,460। यहाँ का इंटरेस्ट हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, 10% इंटू P3, अगर तीन इंस्टॉलमेंट है, देखो ये क्वेश्चन भी तीन इंस्टॉलमेंट का है, तो 10% इंटू P3, और यहाँ पर भी शायद 12% है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 12%, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12% इंटू P3, लास्ट वाला प्रिंसिपल पे मुझे इंटरेस्ट देना था, और इंस्टॉलमेंट का मतलब लेकिन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ये तो इंटरेस्ट आ गया, ये तो इंटरेस्ट आ गया, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, सारे इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब क्या होगा, जो बचा हुआ अमाउंट है प्रिंसिपल का उस पे मुझे इंटरेस्ट देना है, प्लस मुझे प्रिंसिपल भी देना है, कौन सा प्रिंसिपल पे ऑफ करना है, P3 वाला पे ऑफ करना है। देखो रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि मुझे अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट से चलना है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब, हर एक इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें तो कोई हमारा मतलब दूसरा चेंजेस हो ही नहीं रहा है, लेकिन अगर हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं तो बचे हुए अमाउंट पे करते हैं, तो लास्ट बचा हुआ अमाउंट को हम लोग, जैसे ये देखो प्रिंसिपल पेड लिखा है ना, ये प्रिंसिपल पेड 1, ये प्रिंसिपल पेड 2, ये प्रिंसिपल पेड 3, तो जो प्रिंसिपल पेड 3 बाकी था उस पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एज वेल एज मुझे वो थर्ड प्रिंसिपल देना पड़ेगा, क्योंकि तीन इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, अगर ये 4 होता तो ये प्रिंसिपल 4 हो जाता। अब इसे थोड़ा कैलकुलेट करो, 12% मतलब 12/100 कितना होता है, 1.2 होता है क्या, देखो तो एक बार, 12% मतलब 1.2 होता है, 0.12 0.12 वही पूछ रहे, 0.12, अच्छा 0.12 P3 इक्वल टू 5000, ठीक है। तो 1.12 P3 हो गया, दोनों ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, दोनों ऐड हो गया 5000, ठीक है। अब P3 का मतलब कितना हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाई 1.12, ये कितना हो रहा है बताओ, 5000 डिवाइडेड बाई 1.12 कुछ पॉइंट वगैरह आएगा बताओ, अगर ये आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मेरा गलत हुआ है, 1.12 के हिसाब से 4464, ये प्रिंसिपल 3 आ जाएगा, ये प्रिंसिपल 3 आ गया, देखो ये प्रिंसिपल 3 आ गया, यस मैम 4464, ठीक है 4464। अब हम लोग इसी तरह से प्रिंसिपल निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमें बोला है कि क्या निकालना है, इंटरेस्ट, तो अगर प्रिंसिपल निकल गया तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट बता सकते हो कितना होगा,
ए सॉरी इंटरेस्ट बता सकते हो कितना होगा? 5,000 का इंस्टॉलमेंट था, प्रिंसिपल 4464 है, तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना होगा? 5,36 हो गया, सिंपल, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा अब देखते हैं तुम लोग कहाँ तक रिलेट करते हो। चलो मुझे ये बताओ, थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, जैसे ही इंस्टॉलमेंट का बात आएगा तो तुम लोग को क्या क्या सोचना चाहिए? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये कॉमन है, ठीक है। और मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो मुझे दिया हुआ है 3,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ है मुझे 3,000, लेकिन मुझे यहाँ डिनोट करना पड़ेगा कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। तो सेकेंड वाला जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, ये देखो P2 + P3, क्योंकि जब सेकेंड वाला पे करेंगे तो मेरा ऑलरेडी एक प्रिंसिपल पे हो गया। एक बार सोचो, जब हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं तो मेरा एक प्रिंसिपल पे हो गया, लेकिन मुझे अभी भी दो प्रिंसिपल बाकी है, यानी दो अमाउंट का लोन है, दो प्रिंसिपल के ऊपर लोन है और उस पे मुझे इंटरेस्ट देना है। और दो प्रिंसिपल क्या होता है? P2 + P3। दो प्रिंसिपल क्या होता है? P2 + P3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? P2 + P3 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में 12%। और प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा पे करेंगे? जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो कौन सा प्रिंसिपल पे करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? क्योंकि मेरा तो तीन इंस्टॉलमेंट है। अगर हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं तो मुझे प्रिंसिपल कौन सा पे करना पड़ेगा, ये बताओ, यहां से देख के बताओ। जब मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया तो कौन सा प्रिंसिपल पे किया है? 127400 कौन सा प्रिंसिपल पे किया है? ऑब्वियसली सेकेंड वाला ना, सेकेंड वाला ही तो पे करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल 2 पे करेंगे, 2, 3 पे इंटरेस्ट देंगे और 3 तो फिर उसके बाद पे करेंगे, दोनों का ऐड करके इंटरेस्ट निकालते हैं। हाँ, दोनों का ऐड करके इंटरेस्ट देंगे, ये हो गया 3,000। इंटरेस्ट लोन अमाउंट पे रहेगा। अगर हम लोग प्रिंसिपल 2 पे है तो यानी मेरा और भी एक बाकी है। हम लोग उल्टा जरूर चल रहे हैं लेकिन कंसेप्ट तो हमें वैसे ही सोचना है, यानी मेरा और भी एक इंस्टॉलमेंट बाकी है। तो P2 + P2 + अब P3 हमारा कैलकुलेट हो चुका है। देखो P3 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, 4464, ये अप्लाई करो, 4464 इनटू 12% 64 आ रहा है। अच्छा ये P2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 0.12 P2, और ये कितना आ रहा है बोल रहे हो, ये इनटू करके 4464 इनटू 12% कितना आ रहा है? मैम हम ऐड करके किए हैं P2 और P3 को ऐड करके उसको फिर डिवाइड किए हैं 1.12 से, तो 7, तो ये आ गया मेरा। इस तरह से करो तब सही रहेगा। इसका एक बार बता दो, मैंने तो इस तरह से कर लिया, एक बार इसका इनटू करके कोई बता दो मुझे, इनटू 12% कितना? 535.68। अच्छा तले मैम 536 कर दीजिए। अच्छा 1.12 P2 इक्वल टू, अभी ये इधर माइनस कर दो, ठीक हुआ है? देखो तो माइनस ठीक किया है मैंने। हाँ मैम। अच्छा अब डिवाइड करो, P2 आ जाएगा। 2,200। अच्छा तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इसमें? इंस्टॉलमेंट जितना था उससे 2,200 माइनस कर दो, 3,800। अच्छा 800 आ गया, इंटरेस्ट हो गया। अच्छा अब हम लोग लास्ट वाला लेंगे, दैट इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसका तुम लोग मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो अमाउंट तो है मेरा 4,000, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बताओ जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने जाएंगे मेरा कितना सारा प्रिंसिपल बाकी रहेगा, उस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। P1, P2, P3। करेक्ट, P1, P2, P3 तीनों बाकी रहेगा। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो उस पे हमारा कौन सा प्रिंसिपल हम लोग पे कर चुके होंगे? P2 और P3। नहीं, जब हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो कौन सा प्रिंसिपल पे कर चुके होंगे? जब हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो कौन सा प्रिंसिपल हम लोग पे करेंगे? फर्स्ट वाला और बाकी दो, हाँ पहला वाला और बाकी दो बाकी रह जाएगा ना, ये रहा।
ये P1 पे करेंगे। चलो P1 प्लस, अच्छा P1 और P2 प्लस P3 तुम लोग टोटल करके बताओ। P2 800 है और P3 है 4464, टोटल करके बता दो। 4464 और 800, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। हाँ, P3 ये वाला है और ये P2 होगा। 5264। अच्छा 5264। इंटू 12% इक्वल टू कितना था, 4000। अच्छा अब ये वाला 0.12 P1 हो गया। अब इसका इंटू करके मुझे बताओ, इंटू 12% कितना होगा। इसके साथ इसका इंटू करके बताओ। डिवाइडेड बाय 1.12 3007। अब इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो 4000 माइनस ये कर दो 3007, 993। ये तो कुछ अलग ही आ गया, कुछ तो गलत हो गया होगा। देखो बाकी तो टैली हो गया। पहला वाला इंटरेस्ट आया था 536 करेक्ट हुआ है, फिर उसके बाद 800, ये 1143 आना चाहिए। देखो कहाँ गलत हो गया। मैं मेरा 1143 आया। मैं हम थोड़ा सा अलग ये किए हैं। अच्छा तो मेरा कैलकुलेशन शायद कहीं गलत हो गया होगा। एक बार इसका इंटू देखो ना, ये गलत हुआ होगा मुझे लग रहा है। 5264 इंटू 12% मैम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसको करने के बाद 10,664 आ रहा है, फिर इसको 1.12 से डिवाइड करने के बाद 9521, उसको फिर उससे माइनस कर देने से आ जा रहा है इंटरेस्ट। 9521 ही आना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ होगा। तो एक बार ये वाला इंटू करके देखो तो 5264, ये 5264 ठीक हुआ है। 800 प्लस ये तो ये हो गया 8 9 10, 5264। हाँ ये तो सही है, 5264 इंटू 12% कितना होता है। 5463.68 आ रहा है वो। 631.68 तो 632 ठीक ही आ रहा है। फिर 632 माइनस करो, 4000 माइनस 632 कितना आता है। 3368 डिवाइडेड बाय 1.12 3007 आ जा रहा है। ये कैसा हो गया। प्रिंसिपल 1 प्लस 12% इनटू प्रिंसिपल 1 प्लस 2 प्लस 3 800 तो इंटरेस्ट लिख दिया ना, इसीलिए गलत हो रहा है। तुम लोग नहीं बोले मुझे, प्रिंसिपल थोड़ी ना 800 है, प्रिंसिपल 2 तो 2200 है। मैंने इंटरेस्ट लिख दिया ना, इसीलिए गलत हो गया। 2200 मैंने इंटरेस्ट लिख दिया 800, प्रिंसिपल 2 लिखना चाहिए था, तुम लोग भी ध्यान नहीं दिए। अच्छा 4464 प्लस 2200 अब हो जाएगा, अब सही होगा। बताओ कितना होगा दोनों प्रिंसिपल का एडिशन। 2200 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो गया 426 और 6664 ये आ रहा है 6664। इसका 12% कितना होगा। मैम उसका 12% 800 आ रहा है। 800 ठीक है, अब 800 माइनस कर दो 4000 से। 3200 3200 और डिवाइडेड बाय 1.12
2857 2857 माइनस 4000 1143 ठीक ही था मेरा. मैंने क्या किया ना, यहाँ पर प्रिंसिपल के जगह ये 800 लिख दिया था. ये तो इंटरेस्ट था ना, ये ध्यान नहीं दिया मैंने. ये 2200 लिखना था, मैंने 800 लिख दिया, इसीलिए ऐसे हो रहा है. तो देखो मैंने यहाँ पर इस तरह से समझाने का कोशिश किया. तुम लोग अगर अपने बुक में देखोगे तो तुम लोग का ये पी के हिसाब से नहीं किया हुआ है. 5000 लिया है, फिर क्या किया है देखो, वो भी हम बता देते हैं. तुम लोग अगर बुक में देखोगे तो उसमें बहुत ही फास्ट किया है, तो वो भी हम दिखा देते हैं. तुम लोग को जो सही लगे वो कर सकते हो, लेकिन उससे समझ में नहीं आता है मुझे जितना लगता है. लेकिन इससे हमें समझ में आ जाएगा कि अगर हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं तो हमारा कितना प्रिंसिपल बाकी है, सेकंड लेंगे तो कितना बाकी है, थर्ड लेंगे तो कितना बाकी है. और एक होता है बिना पी लेके, तो उसमें जल्दी होता है. तो उसमें इस तरह से होता है, पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट ले लो. थर्ड इंस्टॉलमेंट ये देखो 5000, फिर यहाँ से लेस कर दो इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट लेस करना है. कैसे करेंगे? 5000 अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, यानी अगर मेरा 12% इंटरेस्ट है तो एक रुपए, अगर मेरा इंटरेस्ट है 12%, ठीक है, और मेरा अगर प्रिंसिपल अमाउंट एक रुपया है तो इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 12 पे 1% कितना होता है, सॉरी 1 रुपए पे 12% कितना होता है? 0.12. तो मेरा इंस्टॉलमेंट, सॉरी ये इंटरेस्ट, ठीक है एक मिनट, ये इंटरेस्ट हो जाएगा 12% के हिसाब से 0.12 और इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 1.12. तो यहाँ पर ऐसे बोला गया है कि 5000 अगर इंस्टॉलमेंट है तो 5000 इक्विवेलेंट टू 1.12, देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा तो 0.12, इंटरेस्ट जो हो रहा है उसे माइनस कर दो, दैट इज 536 आएगा. और मैंने भी देखो सेम यही चीज किया है, 5000 डिवाइडेड बाई 1.12, मेरा भी फर्स्ट कैलकुलेशन में यही आया हुआ है, 5000 डिवाइडेड बाई 1.12, फिर प्रिंसिपल आया और मैंने से, ठीक है. तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे सही लगे. लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पूरा क्लैरिटी हो जाएगा तुम लोग का. अब देखो तुम लोग जैसे इच्छा उसे यूज कर सकते हो, जिन लोग का एमसीक्यू है, और जो लोग लिख के करना चाहते हो वो लोग अपने हिसाब से ये भी फॉलो कर सकते हो, या फिर ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हो. तो इसमें ऐसे बोला गया है कि ऐसे करोगे तो ये 536 इंटरेस्ट आ गया, बचा कितना 4464. ये कौन सा अमाउंट है? ये बैलेंस अमाउंट है, लेकिन इसमें ऐड करना पड़ेगा तुम लोग को इसके बाद वाला इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट. ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो था 3000, तो 3000 कितना हो जाएगा? 3000 हो गया 7464. ठीक है, अब ये क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि जब हमारा बैलेंस थर्ड वाला निकल रहा है, ये वाला बैलेंस, जब थर्ड वाला 5000 देने के बाद का बैलेंस निकल रहा है, यानी अभी भी मेरा बाकी प्रिंसिपल्स बाकी है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को ऐड किया जाएगा. ठीक है, इसमें थोड़ा सा उल्टा बोला गया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को ऐड किया जाएगा. जैसे देखो मैंने यहाँ पर किया है सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए, ये देखो P2 + P3 क्या है, उसी कंसेप्ट में यहाँ पर भी होगा. तो तुम लोग चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो. तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3000 ये हो गया, फिर यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे सेम प्रोसेस से. कैसे? 7464 डिवाइडेड बाई 1.12 इंटू 0.12, इस तरह से कर सकते हो. तो ये हो जाएगा यहाँ पर 800. अच्छा 10,664 निकालोगे फिर से उसी तरह से 1.12 × 0.12 करके, तो इसमें आ जाएगा 1143. ये देखो 1143, तो बचा 9521 बचेगा. ये कैश प्राइस हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, अभी मेरा जो प्रोसीड्योर था उसमें अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ प्रिंसिपल निकाला है. तो कैश प्राइस कितना हो जाएगा, सारा प्रिंसिपल का एडिशन कर लो. ठीक है, और फिर उसमें हम लोग डाउन पेमेंट को ऐड कर देंगे. तो कैश प्राइस कितना होगा ये देखो, कैश प्राइस हो जाएगा जो प्रिंसिपल P1, P2 + P3 हमें पे करना था, प्लस डाउन पेमेंट, वही कैश प्राइस होता है. तो डाउन पेमेंट तो क्वेश्चन हमें बताता है 3000 का डाउन पेमेंट है. अच्छा प्रिंसिपल 1, 2, 3, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट तो कैलकुलेट किया है, प्रिंसिपल भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो तुम लोग इस प्रोसेस से भी प्रिंसिपल निकाल सकते हो. मेरा निकाला हुआ है, हम लोग लिख लेते हैं 2857.
2857 प्लस 2200 और 530 2200 और 4464 2200 और 4464 इसका पूरा टोटल करके देखो कितना होता है। ठीक है, ये कैश प्राइस हो गया। अब इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो, ये वाला हम लोगों ने क्या किया, लास्ट इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट हटा दिया, बैलेंस बच गया, फिर एक हम लोगों ने इंटरेस्ट हटा दिया, बैलेंस बच गया, इस तरह से 9521 मेरा कैश प्राइस आ गया। इसमें डाउन पेमेंट ऐड कर दो, डाउन पेमेंट था 3000, ऐड कर दो, हो जाएगा 12521। सेम यही वाला चीज हुआ, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि विजुअलाइज कर पाना ज्यादा इजी होगा कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो समझा है। बाकी ये प्रोसेस और ये प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी 1.12 के हिसाब से लिया गया है, तो 1.12 ये देखो 5000 बाई 1.12, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे ही 0.12 ऐड हो रहा है तो ये इंटरेस्ट शो कर दे रहा है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, वही 5000 डिवाइडेड बाई 1.12 करेंगे तो प्रिंसिपल निकलेगा, फिर मैंने माइनस करके दिखाया तो माइनस करके मेरा इंटरेस्ट आ गया। देखो पहले प्रोसेस में 536, तो इन लोगों का भी इस प्रोसेस में पहले 536 ही आएगा। ये शॉर्टकट है, ठीक है, और ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है क्यों हम लोगों ने इस तरह से प्रिंसिपल लिया। और उसे अगर तुम लोग इसके साथ कंपेयर करोगे तो और भी इजीली समझ पाओगे। अब तुम लोग को जैसा सही लगे वैसा कर सकते हो। इसमें ऑब्वियसली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इस कंसेप्ट को अगर एक बार समझ लेते हो फिर इसे अप्लाई कर दो तो हो जाएगा, इसे एप्लीकेबल कर दो हो जाएगा। यहाँ पर कंबाइनली निकल रहा है इंटरेस्ट, और इसके साथ अगर यहाँ एक कॉलम कर लोगे, एक इंटरेस्ट का और एक इंस्टॉलमेंट का, तो यहाँ पर फिर अलग से प्रिंसिपल भी लिख पाओगे। तो लास्ट में कैश प्राइस आ जाएगा, फिर उससे देने से हमारा ये टोटल करके जो डाउन पेमेंट है इसे टोटल करके कैश प्राइस कैलकुलेट हो जाए, कैश प्राइस, या फिर इसे ही हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। अच्छा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन थ्री में क्या बोला है, देखो, एक्स कंपनी परचेज्ड ए मोटर कार ऑन 1st April 2009 ऑन हायर परचेज, पेइंग 60,000 कैश डाउन एंड बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 55, 50, 45, 40, ईच इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइज एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइज बोला है, ठीक है, मतलब जो प्रिंसिपल है वो इक्वल होगा, जो प्रिंसिपल है वो इक्वल होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब इलस्ट्रेशन थ्री देखो, डाउन पेमेंट बता दिया है, हायर परचेज पेइंग 60,000 कैश डाउन पेमेंट, बैलेंस जो है इंस्टॉलमेंट में देना है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट वन जो है वो है 55,000, इंस्टॉलमेंट टू जो है वो है 50,000, चार इंस्टॉलमेंट बोला था, थ्री है 45 और फोर है 40,000, चार इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, और डाउन पेमेंट बताया है कितना, 60,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो 55,000, एक चीज यहाँ पर पॉइंट है कि जो है इक्वल कैश प्राइस होगा, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसा बना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ बना होगा, तो इसमें बोला गया है कि सारा का सारा प्रिंसिपल जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग I1 जो है, I1, I2, I3, I4, ये चार इंस्टॉलमेंट है, सब में प्रिंसिपल हम लोग एक्स मान सकते हैं, क्योंकि सब में प्रिंसिपल इक्वल है, सब में प्रिंसिपल इक्वल है, इसीलिए हम लोग इसे एक्स मान सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट का रेट कितना बताया है, चलो इंटरेस्ट का रेट तो कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का रेट अगर कुछ नहीं बताया है तो फर्स्ट इंटरेस्ट का रेट कितना होगा, सेकेंड का कितना होगा, थर्ड का कितना होगा, फोर्थ का कितना होगा, इसे कैसे डिनोट करेंगे। देखो, जो फोर्थ वाला है उसका इंटरेस्ट सबसे कम होगा आई, तीसरा वाला जो है तो ये हो जाएगा 2i, ये हो गया 3i, ये हो गया 4i,
ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होते जाता है, तो अगर चार इंस्टॉलमेंट है तो पहला इंटरेस्ट लगेगा 4i, ठीक है, और इसका वैल्यू हो रहा है, इसका वैल्यू हो जाएगा 55,000, ठीक है, 55,000, इसका वैल्यू हो जाएगा I2 वाला 50,000, ये तो गिवन है ना हम लोगों को. अच्छा, ये I3 जो है ये 45,000, ये भी गिवन है, ये कितना है 40,000, ये भी गिवन है. और X मैंने सब में क्यों लिखा है? X मैंने सब में इसीलिए लिखा है क्योंकि सारा का सारा प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में बताया, हम लोगों ने खुद से नहीं किया है. और इंटरेस्ट का अमाउंट धीरे धीरे डाउन होते जाता है, तो अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबसे ज्यादा होगा और अगर मेरा चार फर्स्ट इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा, अगर मेरा चार इंस्टॉलमेंट है तो पहला इंटरेस्ट हो जाएगा 4i, फिर 3i, फिर 2i, फिर i. ये कंसेप्ट हम लोग सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई करेंगे जहां पर प्रिंसिपल्स इक्वल होगा. अब हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने से हमें i का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है. तो कोई भी दो इक्वेशन ले लो और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. जैसे अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 देते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं. 55,000 x प्लस 3i 50,000, तो कितना हो गया? माइनस कर दो, ठीक है, 1 माइनस 2 कर दो, तो ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है. तो यहां पर हो गया i इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5,000. तो फर्स्ट इंटरेस्ट हो गया 5,000, तो मतलब आई का वैल्यू 5,000 हो गया, यानी फोर्थ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? फोर्थ नंबर ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000, ठीक है, फोर्थ इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000. तो सेकेंड थर्ड वाला कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 2, और ये 5,000 इंटू 3, और ये 5,000 इंटू 4. तो हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते. देखो, इंटरेस्ट फॉर फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो हम लोगों ने आई माना था तो 5,000. अच्छा, इंटरेस्ट फॉर थर्ड उससे थोड़ा ज्यादा होगा, 5,000 इंटू कितना हो जाएगा? देखो, 2i लिया था तो 2i हो जाएगा. इंटरेस्ट फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 3, क्योंकि तीन प्रिंसिपल बाकी रहता है, इसीलिए 3 और 2 का मतलब रेशियो. एक्चुअली ये रेशियो होता है, ये देखो 4:3:2:1 इस तरह से ये रेशियो बनता है. पहले चार गुना, फिर कम हो जाएगा, तीन गुना, फिर दो गुना, फिर एक गुना, अगर हमारा चार इंस्टॉलमेंट है. अगर पाँच होगा तो 5:4:3:2:1, अगर 6 होगा तो 6:5:4:3:2:1 इस तरह से होगा. और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000 इंटू 4, 20,000. तो ये 20,000, 15, 10 एंड 5, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट. हम लोगों को बोला है वी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश प्राइस एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट तो निकाल दिया, कैश प्राइस कितना होगा, ठीक है, कैश प्राइस कैलकुलेट करने बोला है. तो हम लोग पहले हायर परचेज प्राइस निकाल लेते हैं. हायर परचेज प्राइस मतलब क्या होता है? पूरा कैश प्राइस, ठीक है, और कैश प्राइस में डाउन पेमेंट भी आ जाएगा. कैश प्राइस मतलब इसमें डाउन पेमेंट भी आ गया, प्लस क्या हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट. हायर परचेज प्राइस मतलब कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट. एक्चुअली कैश प्राइस हम लोगों ने जितना दिया प्लस इंटरेस्ट, दैट इज हायर परचेज प्राइस हो जाएगा. अब इंटरेस्ट कितना है टोटल? 5, 10, 15, 20, 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000, यही तो एक्स्ट्रा देना पड़ा, ठीक है. अच्छा, और कैश प्राइस कितना है वो हमें नहीं पता, वही तो ढूंढने बोला है. और हायर परचेज प्राइस हमें पता है. हायर परचेज प्राइस मतलब देखो 60,000, ये जितना टोटल पेमेंट किया सारा का सारा हायर परचेज प्राइस हो जाएगा, ये 60,000. अच्छा, और इंस्टॉलमेंट जितना दिया है वो सब में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 55 एंड 40 कितना होता है? 50 एंड 40 90 90, और यहाँ पर कितना हो गया फिर 90, 1 लाख हो रहा है, आई थिंक 1 लाख हो रहा है. तो 1 लाख इंस्टॉलमेंट का, 1 लाख इंस्टॉलमेंट का 60,000 डाउन पेमेंट, यानी टोटल 1,60,000 पे किया है. और इसमें एक्स्ट्रा कितना पे किया, क्योंकि हायर परचेज प्राइस मतलब कैश प्राइस एज वेल एज इंटरेस्ट, ठीक है. तो हम लोगों ने इंटरेस्ट कितना पे किया? 15, 5 हो गया, 20, 20, 40 और 10, 50,000.
तो कैश प्राइस कितना हो जाएगा? कैश प्राइस हो जाएगा 1,10,000 आ गया क्या? एक मिनट, यहाँ पर दिया है कैश प्राइस 2 लाख दिया है, हायर परचेस प्राइस 2,50,000, क्या मेरा टोटल गलत हो गया? 50,000 प्लस 50,000 कितना होता है? 50 प्लस 55, 1,05,000, 1,05,000 और 45,000 कितना होगा? ये चारों टोटल करके मुझे बताओ ना, शायद ये चारों टोटल मेरा गलत हुआ है। 1,90,000 ना, अच्छा तो ये दोनों टोटल करके 2,50,000, अच्छा 2,50,000 और माइनस 50 कितना हो जाएगा फिर? 2,00,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ये तो मैंने पहले दिखा दिया 50,000। देखो क्या किया मैंने, ये तभी एप्लीकेबल होगा, ये अप्रोच तभी एप्लीकेबल होगा अगर बता दिया जाएगा कि कैश प्राइस हर एक इंस्टॉलमेंट में इक्वल है, तो हम लोगों ने वो एक्स मान लिया। और इंटरेस्ट तो मैंने दिखाया ना, वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाता है, तो यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट का एक रेशियो बना सकते हैं, क्योंकि रेशियो इसीलिए बना सकते हैं क्योंकि एक अमाउंट तो फिक्स्ड हो गया, तो बाकी जो है वो रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट जितना होगा वो हमें कितने बार में पे करना है, 4 बार में। तो 4:3:2:1 क्वांटिटी मेरा कम होते जाएगा, पहले 4 रुपया पे कर दिया अगर 4 रुपए का इंटरेस्ट है, फिर 4 रुपया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, जैसे हम लोग पेमेंट करते जाएंगे मेरा इंटरेस्ट कम होते जाएगा, तो ये 4:3:2:1 में एप्लीकेबल हो जाएगा। उस हिसाब से मैंने 4i 3i 2i i किया है, लेकिन फोर्थ वाले में आई लगाना है क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट कम होता है, उसके पहले 2i 3i 4i, इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। अब दिया हुआ है कि इंस्टॉलमेंट हर एक कितना है, हम लोग कोई भी इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं, उससे आई आ गया, उसी तरह से मैंने आई को यूज करके सारा इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हायर परचेस प्राइस क्या होता है? हायर परचेस प्राइस का मतलब कैश प्राइस जो हमें पे करना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ जब हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज इंटरेस्ट जो है पे करते हैं, तो वो हायर परचेस हो जाता है। तो इंटरेस्ट, ठीक है, ये तो हमारा कॉस्ट है, अगर ये नहीं लगता है तो नो कॉस्ट ईएमआई होता है, ये जो है ये कॉस्ट है, मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि हम लेट में पेमेंट करने वाले, तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा है? एक्स्ट्रा 50,000, ये सब टोटल करेंगे। कैश प्राइस नहीं पता, और हायर परचेस प्राइस तो पता है ना। हायर परचेस प्राइस मतलब क्या, मैंने कितना पे किया अल्टीमेटली इस सेलर को, 60,000 डाउन पेमेंट किया, 55,000, 50,000, 45 और 40, टोटल 1,90,000 का मैंने इंस्टॉलमेंट भरा और 60,000 का डाउन पेमेंट, यानी टोटल 2,50,000 मैंने पे किया, ठीक है, जिसमें 60,000 ऑन द डेट ऑफ परचेज होता है, डाउन पेमेंट तब किया, और ये जो है ये इंस्टॉलमेंट। देखो हायर परचेस का मतलब ही होता है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है, डाउन पेमेंट मतलब प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो एक्चुअली ये तो मुझे पे करना ही है किसी भी हालत में, ये मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, और ये पूरा मिला के हायर परचेस प्राइस। तो ये हो गया 2,50,000, ये मैंने 90 कर दिया, 2,50,000 कैश प्राइस प्लस हो गया मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट 50,000। तो 2,50,000 में अगर मेरा 50,000 इंटरेस्ट है तो मेरा कैश प्राइस हो जाएगा 2,00,000, और टोटल इंटरेस्ट जो पूछा था, टोटल इंटरेस्ट हो गया 50,000, टोटल इंटरेस्ट 50,000। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने जो छोटा छोटा क्वेश्चन था वो तो बताया, एक और भी क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 3, ये नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग मेन जो क्वेश्चन है, मतलब ये हम लोग को इसीलिए सीखना पड़ेगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में हायर परचेस प्राइस मिसिंग हो तो हम लोग उसका लेजर जर्नल नहीं कर पाएंगे, तो लेजर जर्नल के पहले ये हमारा हो जाना चाहिए, तो ये इसका प्रैक्टिस तुम लोग जरूर करना, ये सब क्वेश्चन का ही करना, और अगर अलग कोई क्वेश्चन मिले तो वहां से भी तुम लोग कर सकते हो, तो एक बार देखना कि हो रहा है कि नहीं। और ये पॉइंट याद रखना है, मेनली क्या क्या पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, अगर बोल देगा, ये देखो ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिक्वायर्स इक्वल इंस्टॉलमेंट, इट मींस इक्वल प्रिंसिपल, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो उस पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, कैसे होगा। और ये प्रिंसिपल वाला, ये भी एक बार खुद से करके देखना क्यों ऐसे हो रहा है, और ये वाला पॉइंट, अगर मेरा इक्वल प्रिंसिपल होगा तो हम लोग अपना इंटरेस्ट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये 4 इंस्टॉलमेंट था, अगर 5 इंस्टॉलमेंट होगा तो 5, 4, 3, 2, 1, ये सारा पॉइंट तुम लोग को ध्यान रखना है, तभी तुम लोग कर पाओगे।
ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं।